शुरू करते हैं। बच्चों मैंने कल प्रायोरिटी में जो होमवर्क दिया था, क्या सब लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया क्या? बताओ नाला, कल जो प्रायोरिटी में जो होमवर्क दिया था, क्या आप सब लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है क्या अच्छे से? बोलो हाँ या ना। कल बच्चों प्रायोरिटी में शायद से बड़ा क्वेश्चन बेटा 13 से 18 दिए थे ना बेटा, और आई थिंक 12 भी कल का पेंडिंग था शायद से, तो सो पकड़ के 12 से लेकर 18 होमवर्क हुआ था। कल बच्चों मैंने सेट बी का होमवर्क दिया था 12 से लेकर 18 का, कितने क्वेश्चन आ रहे, बहुत ज्यादा या बहुत कम? 12 से 18 ये क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन आ रहे, बहुत ज्यादा या बहुत कम? कैसी ने बताओ, बहुत ज्यादा आ रहे, बस एक नहीं आ रहा है, क्या बात, इतने होशियार हो गए, मुझे तो लगा था बहुत डाउट रहेंगे आज, क्या बात है क्या बात है। 11 भी पेंडिंग है, ए 11 कल डिस्कशन हुआ था, 11 का नालायक, 11 का कल डिस्कशन हुआ था ना, 11 का कल डिस्कशन हुआ था, चलो क्या बात है क्या बात है। चलो एक चेक करते हैं फटाफट अभी, चलो नालायक बताओ क्वेश्चन 12 सॉल्व क्या करे बेटा? क्वेश्चन 12 में पी ऑफ ए 3/5 दिया है और पी ऑफ बी 2/3 है, मैं फटाफट एक बार हिंट भी बताता हूं, और क्या बोला है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, और क्या बोला है, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ ए प्लस बी? बच्चों पे ए प्लस बी बोला, मैंने कल आपको बताया था ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, आपको पता है प्लस का बता है और के लिए, प्लस का बता है और के लिए, और बच्चों और का मतलब क्या होता है, यूनियन, प्लस का बता है और के लिए, और का मतलब क्या है, यूनियन है। तो आपको प्रायोरिटी ऑफ ए प्लस बी मतलब यूनियन पूछा बच्चा लोग, इसके लिए यूज क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ एडिशन, ये फॉर्मूला आपको पता है, इससे अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको तीन बातें चाहिए, पहला पी ऑफ ए दिया क्या, हा सर, पी ऑफ बी दिया क्या, हा सर, इंटरसेक्शन दिया क्या, ना सर। तो जब तक मुझे इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा मैं यूनियन को निकाल नहीं सकता, कौन बता गया इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन को निकालने के लिए कुछ हिंट बोला है क्या? बता नालायक, इंटरसेक्शन को निकालने के लिए कुछ हिंट बोला है क्या? बोला ना, इवेंट क्या बोला है, इंडिपेंडेंट है, आप सबको पता है इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो क्या होता है, याद आ रहा है क्या, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो क्या होता है, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन, क्या आपको याद आ रहा है क्या बच्चा लोग? इवेंट बच्चों अगर इंडिपेंडेंट है बेटा तो इंटरसेक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो P ऑफ A कितना है बच्चा लोग, 3/5 है, P ऑफ B कितना है बच्चा लोग, 2/3 है, 3 कट तो कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है क्या, ये हो गया यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। झेपा क्या, P ऑफ A आपको दिया था, P ऑफ B आपको दिया था, और आपने निकाला क्या, इंटरसेक्शन, बाइजिंग इंडिपेंडेंट वाला केस, इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लाई होता है। अब इससे कैन यू फाइंड यूनियन, ये सिंप्लीफाई कर पाएंगे जिन्हें सॉल्व किया, मुझे 12 का आपका आंसर क्या है, जिन्हें सिंप्लीफाई किया बताओ 12 का आपका आंसर क्या है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना आपको आता ही चाहिए। थर्टीन बाय फिफ्टीन आ रहा है क्या नालायक, ऑप्शन बी आ रहा है क्या, 13/50 ऑप्शन बी आ रहा है क्या नालायक, ऑप्शन बी आ रहा है, चलो क्या बात है क्या बात है क्या, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 13, अब क्वेश्चन 13 में शायद सबको डाउट रहेगा, 13 बता रहा हूं, चलो 13 में क्या है, पी ऑफ ए पी दिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्यू है, ए की प्रोबेबिलिटी पी है, बी की प्रोबेबिलिटी क्यू है, और क्या बोला है, प्रायोरिटी ऑफ
ए अपॉन बी क्या होगा पूछे। जिनको इसमें दिक्कत है ध्यान से सुनना बच्चों, जो बताने जा रहा हूं अब इसमें देखो थोड़ा सा ये लॉजिकल सम है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यू दिए, और क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये पी अपॉन क्यू से छोटा है या पी अपॉन क्यू से सॉरी एक्चुअली यहां पर बड़ा होना चाहिए, एक में ऑप्शन में छोटा है ना तो एक में बड़ा होना चाहिए बेटा, एक में या ये पी अपॉन क्यू से बड़ा है क्या या फिर वो क्यू अपॉन पी से छोटा है, एक्जैक्टली क्या सीन उन्होंने पूछा है ठीक है ना। अब देखो ऐसे करना चाहिए बच्चा लोग, प्लीज लिसन टू मी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, अब थोड़ा सा फोकस करें मैं जो बताना चाहता हूं बेटा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यू पता है, कौन बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? याद है क्या फॉर्मूला? ऊपर क्या आता है इंटरसेक्शन, और जो बाद में वो नीचे, बाद में कोने बी ए, तो नीचे क्या होगा पी ऑफ बी। आई होप आपको याद आ रहा होगा, यस एकदम चिल मार के। तो मैंने क्या बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का लिखा फॉर्मूला। अब ध्यान सुना जो बताना चाहता हूं, इसमें से आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो तो क्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कोने क्यू है। अब मुझे मांगता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन मांगता है, ए और बी का कॉमन मांगता है क्वेश्चन में, ए और बी का कॉमन दिया है क्या? कमेंट बंद, कमेंट बंद, कमेंट बंद, बस फोकस करेंगे सब लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा छू दिया अपने को, यस एकदम चिल मार के एकदम ध्यान से देखेंगे। अब आपको ऊपर क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन चाहिए, लेकिन यार मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे पता है, बट कॉमन मुझे नहीं पता है। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, बट मुझे कॉमन नहीं पता है, फिर क्या करेंगे? पर ये मुझे जरूर पता है, प्लीज सुना जी, ये मुझे जरूर पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा, प्लीज सुनना मैं जो बताना चाहता हूं। ए की प्रोबेबिलिटी और ए और बी का कॉमन, या फिर ऐसे सेट की बात बात करें, सेट ए और ए और बी में जो कॉमन है, सेट ए और ए और बी में जो कॉमन है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? ए सेट ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है और ए में कॉमन क्या, उसमें से मुझे बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा, व्हाट डू यू थिंक, कौन बड़ा कौन छोटा होगा? एनी गेस? ए इंटरसेक्शन बी और ए में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? नालायक कॉमन सेंस की बात है, सेट ए सेट बी उनके कंपेयर में इंटरसेक्शन में कम नंबर आएगा ना। अरे ए में कुछ तो नंबर है, बी में कुछ तो नंबर है, और उनके कॉमन में और कम नंबर आएंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ना, अगर ए सेट में, ए सेट में 1 2 3 4 नंबर है, बी सेट में 2 4 5 6 नंबर है, तो ए और बी के कॉमन में कितने आएंगे? ए और बी के कॉमन में कितने आएंगे? 2 और 4। मतलब ए में भले 4 नंबर है, बी में भले 4 नंबर है, पर कॉमन में कितने आ रहे? 2। मतलब कॉमन एक तो ए से छोटा होगा, एक तो कॉमन ए से, ये तो कभी हो नहीं सकता कि कॉमन कभी ए से बड़े हो, ऐसे नहीं हो सकता कि ए में 4 नंबर है और कॉमन में 5 नंबर, ऐसे होने से था बेटा? ए में अगर 4 नंबर है तो कॉमन में उससे क्या होगा? कम। जितना बच्चों ए में नंबर है उसे कॉमन क्या था? छोटा। पर कुछ नालायक बोलेंगे सर दोनों सेम भी हो सकते हैं ना सर, अगर से ए सेट में 1 2 3 4 है और सर बी में भी 1 2 3 4 है तो सर कॉमन भी क्या आएंगे? 1 2 3 4। हो सकता भाई, इसका मतलब क्या है? एक तो कॉमन ए से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, एक तो कॉमन ए से छोटा होगा या ए से इक्वल होगा, एक तो कॉमन ए से छोटा होगा या ए से बच्चों क्या होगा? इक्वल होगा। यस ओ नो अलग, एक तो कॉमन ए से छोटा होगा या ए से बच्चों क्या होगा? इक्वल होगा। ओके एकदम चिल मार के, एक तो कॉमन ए से छोटा होगा या कॉमन बच्चों ए से इक्वल होगा। आपसे ये क्यों बता रहे हो? अब फोकस को मैं जो बता जाता हूं, मुझे मांगता क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी
मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे पता है, क्यू पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये मुझे पता है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी मैं यहां पे तो बेटर रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्यू है, और मुझे ये पता है ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये कहीं ना कि पी और ए से छोटा या इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहीं ना कि पी और ए से छोटा या फिर छोटा है, फिर क्या है, इक्वल है। अब बता लेफ्ट में कौन है, ये पार्ट है, राइट में कौन है, ये पार्ट है, तो क्या ना इसे लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है, लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बोलो या इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ बी, मीनिंग सेम होता है, और राइट में नीचे कौन है, क्यू है, और ऊपर कौन है, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पी ए, तो क्या ना इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये पी अपॉन क्यू से कौन है, छोटा नहीं तो इक्वल है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, दैट्स इट। भारी क्वेश्चन था ना, जिनको समझा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो बड़ा दिमाग से निकाल दो, तो लोड मत, इतने एग्जाम में दिमाग नहीं चलने वाला आपका। बस शॉर्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमने देखा इसमें से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो तो क्यू है, उसको क्यू लिखा, फिर पता चला हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, पर हम इनका संबंध पता, हमको पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो पी ऑफ ए से हमेशा क्या होता है, छोटा, वो हमेशा छोटा होता है, तो लेफ्ट में क्या रखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और राइट में पी ऑफ ए के बदले क्या रखा, पी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ये हमेशा पी अपॉन क्यू से क्या रहा है, छोटा, नहीं तो क्या होता, इक्वल होता है बच्चा लोग। यस, भारी क्वेश्चन था ना, जिनको बेटा इसमें हल्का सा कंफ्यूजन होगा ना, लोड मत लो बेटा, इस पे दिमाग मत लगाओ अभी, इसमें बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, जिनको मांगता फटाफट लिख लो बेटा, लिख लो फटाफट, फास्ट लिख लो, जिसको मांगता फटाफट लिख लो, एक मिनट के अंदर। डन हो गया बच्चों, लिखे आई थिंक सबका लिख के हुआ रहेगा बेटा, छोटा ही पार्ट लिखना था, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आयो बेटा, 14 आपको आ रहा होगा, फिर भी जिनको तकलीफ है एक बार देखिए, 14 में जिनको तकलीफ है बच्चों, 14 में जिनको तकलीफ है देखो यहां पर क्या चाहिए, 14 में प्लीज फोकस करना, आपको पहले क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाले, ए यूनियन बी निकालना बच्चा लोग, अभी देखो इसमें शायद गड़बड़ आपने किया होगा, अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है,
तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, प्रायोरिटी ऑफ ए प्लस प्रायोरिटी ऑफ बी माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको सब में क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है, ये तो बात ऑब्वियस है। ए यूनियन बी के लिए ये तीन बातें चाहिए, कौन कौन सी, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और इंटरसेक्शन। देखो सब में क्या क्या दिया, सर सब में पी ऑफ ए दिया, वेरी गुड। सब में पी ऑफ ए कितना दिया, 1/2 दिया सर। सब में पी ऑफ बी दिया क्या, ना सर, सब में पी ऑफ बी बार दिया। अरे बी बार का मतलब क्या, बी डैश, बच्चों बार बोलो या फिर डैश मीनिंग सेम होता बेटा। पी ऑफ बी बार दे, बार मतलब बच्चों क्या होता है डैश, समय बच्चों बी डैश दिए, पी ऑफ बी डैश 2/3 है, पी ऑफ बी डैश 2/3 है, तो पी ऑफ बी कितना होगा नालायक, वन में से लेस करेंगे बेटा, पी ऑफ बी डैश अगर 2/3 है, पी ऑफ बी के लिए क्या करेंगे, वन में से लेस करेंगे, तो कितना आएगा 1/3। अरे झेपा क्या, मुझे निकालना क्या आता, यूनियन मुझे निकालना बेटा, यूनियन को निकालने के लिए पी ऑफ ए सब में दिया था लिखा, पी ऑफ बी दिया नहीं था बट पी ऑफ बी डैश दिया था, मैंने पी ऑफ बी डैश में से पी ऑफ बी निकाला, कैसे, वन में से लेस करके। अब मुझे क्या मांगता था, इंटरसेक्शन, ये सबसे बच्चों मैंने इसके लिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया, इसको यूज किया, इसको यूज किया, अब ये यूज करना बाकी है। सर ये क्या दिया, पी ऑफ ए बार का मतलब क्या है, ए डैश, यूनियन बी बार का मतलब क्या है, बी डैश। अब इसको यूज करना, ध्यान से सुनो बच्चों कैसे यूज करना चाहिए इसको, पी ऑफ बच्चों क्या दिया, ए डैश यूनियन बी डैश, पी ऑफ क्या बोला है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब प्लीज सुनो इसको यूज कैसे करना चाहिए, ध्यान सुनो, थोड़ा सा अलग पार्ट है, ऐसे बोलो वन में से लेस कैसे नहीं होता बेटा, प्लीज सुनना अभी, मुझे क्या मांगता है, ए डैश यूनियन बी डैश। इसके लिए पहले यूज करना पड़ेगा आपको डी मॉर्गन्स लॉ, याद है डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर ब्रैकेट में हर एक को डैश है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ब्रैकेट में हर एक को डैश है, यू कैन टेक डैश कॉमन, आप डैश को कॉमन ले सकते हो। अगर डैश को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, ए, यहां पे क्या बचेगा, बी, और यूनियन का क्या होगा, इंटरसेक्शन। क्या ये आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ, हमने बच्चों सेट में पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ, आई होप आपको बच्चों याद होगा। बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर डैश सब में आ रहा है तो टेक डैश कॉमन, अगर डैश को कॉमन लेंगे, ए डैश के बदले क्या बचेगा, ए, बी डैश के बदले क्या बचेगा, बी, यूनियन क्या क्या होगा, इंटरसेक्शन। एकदम छिल मार के इतना समझ में आ रहा है क्या। अब इसके बाद जो बताने जा रहा, प्लीज अब फोकस करो, प्लीज फोकस करो, मुझे बताने जा रहा, कोई बता सकता है हाउ टू फाइंड पी ऑफ ए डैश, कितना सिंपल है सर, सर वन में से पी ऑफ ए लेस करो, सब पी ऑफ ए डैश के लिए वन में से पी ऑफ ए लेस करो। हाउ टू फाइंड पी ऑफ बी डैश, वन में से पी ऑफ बी लेस करो। हाउ टू फाइंड पी ऑफ ए डैश, वन में से पी ऑफ ए लेस करो। हाउ टू फाइंड पी ऑफ बी डैश, वन में से पी ऑफ बी लेस करो। जिनको झेपा होगा हाउ टू फाइंड पी ऑफ ब्रैकेट डैश, पी ऑफ ए डैश कैसे निकाला, वन में से पी ऑफ ए लेस किया, पी ऑफ बी डैश कैसे निकाला, वन में से पी ऑफ बी लेस किया, एंड हाउ टू फाइंड पी ऑफ ब्रैकेट डैश, वन में से पी ऑफ ब्रैकेट क्या करेंगे, लेस। अरे समझा क्या नालायक, मैंने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, आपको दिया क्या था, प्रायोरिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश दिया था, मैंने पहले अप्लाई किया डी मॉर्गन्स लॉ, सब में से डैश कॉमन लिया, ए डैश के बदले क्या बचा, ए, बी डैश के बदले क्या बचा, बी, यूनियन के बदले क्या गया, इंटरसेक्शन। बच्चों मैंने क्या दिमाग लगाया, अरे पी ऑफ ए डैश क्या आता है, वन माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी डैश क्या आता है, वन माइनस पी ऑफ बी, तो नालायक पी ऑफ ब्रैकेट डैश क्या होगा, वन माइनस पी ऑफ ब्रैकेट। ओके समझा क्या नालायक, अब इसमें से देखो जो पता है लिखते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट रखा है एज इट इज, अब इसे क्या पता मुझे बताओ, इसमें से आपको क्या पता है, ये पता है क्या, ये सब में दिया ना कितना दिया, 5/6 है, उसे क्या नहीं, लेफ्ट में रखा 5/6, राइट का 1 रख, सॉरी राइट का 1 रखा, लेफ्ट में सॉरी 5/6 है, राइट का 1 रखो एज इट इज, और इंटरसेक्शन नहीं पता है छोड़ दो बेटा, जो पता लिखा आपने, आपको ये पता था लिखा 1 रहा एज इट इज, ये नहीं पता है छोड़ दो, इसे कैन यू फाइंड इंटरसेक्शन, हाँ सर जी, इंटरसेक्शन यहां पे क्या आता, माइनस, यहां पे क्या होगा, प्लस, यहां पे करो 1 - 5/6 कितना आता, 1/6, ये क्या निकाला आपने, इंटरसेक्शन।
ये बच्चों क्या निकला, इंटरसेक्शन। और एक बार मिला इंटरसेक्शन, एक बार मिला इंटरसेक्शन, नाउ कैन यू अप्लाई थ्योरम ऑफ एडिशन, बोलो हा या ना। पी ऑफ ए 1/2 दिए, पी ऑफ बी 1/3 दिए, और इंटरसेक्शन कितना होगा नालायक, 1/6 होगा। अभी भी निकाला इंटरसेक्शन, अब करो सिंप्लीफाई। पहले इन दोनों का एडिशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5, यहां पे 5/6 आ रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई एडिशन किया और -1/6 एज इट इज। नीचे नंबर सेम है, सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर, 5 − 1 = 4, 4/6 बोलो या 2/3 बोलो, 4/6 बोलो या 2/3 बोलो। अब बताओ कितने लोगों ने इस लॉजिक से किया था, ये लॉजिक से किया था, ऐसा कोई है जिसे इस लॉजिक से किया था? बाकी लोगों भी लिखना शुरू कर, फटाफट मस्त क्वेश्चन था, मजा आया ना बेटा। ये सारे बच्चों अलग अलग क्वेश्चन, इन सबकी प्रैक्टिस करनी बेटा, भले अभी टफ लग रहा होगा, डरने के नहीं, अभी टफ लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करने का बेटा, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना सब इजी भाई, और मार्क्स के लिए सब करने का। और एग्जाम में बोलो कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, बट एग्जाम इसके अलावा कुछ अलग क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस क्या होगा, 2/3 के बदले 1/4 देंगे, बस नंबर बदलेंगे ना, बाकी तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने खुद से किया था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। अगर आपने खुद से, बच्चों क्या होगा ना, आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। बस टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर देखना, देख के करने के, इसको आंसर नहीं बोलते, पहले बता बेटा जी, किसी ने दोस्तों से पूछ के या टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर देख के अगर सॉल्व किया, उसको सॉल्व नहीं बोलते। सॉल्व मतलब खुद से, पूरा स्टार्ट टू एंड खुद से, दूसरे का आंसर देखना, कॉपी करने को आंसर नहीं बोलते। डिफरेंट वे नहीं बेटा, डिफरेंट जिन्हों डिफरेंट वे से क्या होगा ना, गलत है बेटा। आंसर सही आना मैटर के, लॉजिक बड़ा मैटर, ये लॉजिक सही बेटा जी, डिफरेंट वे से क्या होगा तो आपका आंसर गलत है बेटा, डिफरेंट वे से क्या होगा तो अलाउड नहीं है, यही प्रॉपर तरीका है। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, नहीं चलता है बेटा, नहीं चलता है, नहीं चलता है, कुछ भी करो मत करो, कुछ भी मत करो, दिस इज अ प्रॉपर वे, देयर इज नो अदर वे। जिन्होंने डायरेक्टली माइनस किया है ये एक तरीका गलत है, नहीं चलता है। जो मैंने बेटा, यही लॉजिक सही बेटा जी,
नालायक हो गए लिख के डन। अरे एग्जाम में रफ पेपर देते रे, एग्जाम में पेपर में स्पेस होता है। मुझे बताओ ये सब फालतू जो तुम सवाल पूछते हो बेटा, मुझे होता ऐसे कह रहे दुनिया में तुम पहली बार, तुम ही श्लोक सी एग्जाम देने वाले, दुनिया पहली बार तुम एग्जाम देने वाले हो कि तुम्हारे पहले के जो बच्चे होते हैं वो पागल इससे बताया क्या, समझाया क्या? अरे ऐसे को बड़ा ख्याल रहता है बेटा, समझाया क्या? ये जो आपके दिल में उल्टे सुलटे सवाल आते हैं ना, बताया क्या, ये सब दिमाग से निकाल दो, बस पढ़ाई पर फोकस करो बेटा, बस पढ़ाई फोकस करो प्रॉपर बेटा। आईसीएस सब ध्यान रखती है, समझा, क्या रखना, ठीक है ना? उनको बड़ा आपका जो क्वेश्चन एक्चुअल बेटा बोलू क्या, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है बेटा, क्वेश्चन पेपर में ही लास्ट में चार पांच पेज ब्लैंक होते हैं फॉर रेफर के लिए, तो प्रॉपर स्पेस होता है, आपको खुद का पेपर प्यारी नहीं करना होता है, समझा क्या? तो ये बेटा ये दिमाग से सब निकाल दो, डोंट वरी, दे आर मच एक्सपीरियंस पीपल, वो बड़ा ध्यान रखते हैं आपका, समझा क्या? और यार देखिए अभी तक लाखों लोगों ने एग्जाम दिया फाउंडेशन का, कर वो लिख पाए थे, आप कुछ अलग स्पेशल नहीं, ऐसा है क्या? होता क्या उन लोग कैलकुलेशन था नहीं, आपको अकल का कैलकुलेशन आया, ऐसा है क्या? वो भी करते आ रहे थे, आप भी करते आ रहे हो, सफिशियंट स्पेस मिलता है, घबराने का नहीं है। क्वेश्चन 15 एक मिनट, रियली सॉरी, जस्ट एक मिनट।
चल नालायक। क्वेश्चन 15 क्या कह रहे बेटा, क्वेश्चन 15 क्या कह रहे, 15 आ रहा है क्या नालायक, 15 में क्या रहा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया है क्या 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 दिया है क्या, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है। यहां पे यूनियन बच्चों दिया ना, तो यूज करते थ्योरम ऑफ एडिशन। अब देखो बच्चों, अपने को यहां पे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दिया है 2/3, ये दिया है यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 2/5, ये भी दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता हूं निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं एक्स अज्यूम करूं चलेगा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को एक्स मानता हूं, कर भी लिया। अरे बहुत होशियार हो गए तुम लोग, भयंकर होशियार हो गए, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू बेटा जी। यूनियन बच्चों दिया है 2/3, पी ऑफ ए दिया है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चों दिया एक्स दिया बच्चा लोग, और अभी और क्या अच्छे इंटरसेक्शन बनता बच्चा लोग। अब इंटरसेक्शन के लिए कुछ बोला है क्या, इवेंट क्या बोला है, इंडिपेंडेंट है। और बच्चों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में क्या आता है, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन। बच्चों इंडिपेंडेंट में बिना क्या होता है, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन। पी ऑफ ए कितना बच्चा लोग 2/5 है, पी ऑफ बी कितना बच्चों एक्स है, पी ऑफ ए कितना बच्चा लोग 2/5 है, पी ऑफ बी कितना बच्चा लोग एक्स है, तो क्या होगा 2x/5 क्या होगा 5। बात समझ में, मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने पहले सभी लिखा, यूनियन दिया था लिखा, पी ऑफ ए दिया था लिखा, पी ऑफ बी नहीं पता उसको एक्स बोला। इंटरसेक्शन मतलब क्या, मल्टीप्लाई, उसे पी ऑफ ए कितना है 2/5 है और पी ऑफ बी को एक्स बोला है, तो ये 2x/5 हो गया। अब सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे थ्योरम ऑफ एडिशन में, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, सबकी वैल्यू हम रखेंगे थ्योरम एडिशन में और उसे एक्स मिल जाएगा बेटा जी अपने को। एक्स को निकालने के लिए हिंट दिया क्या, हाँ सर जी, क्या यूनियन दिया, जब भी यूनियन दिया ऑलवेज अप्लाई थ्योरम एडिशन, जब भी सम में आता है यूनियन ऑलवेज अप्लाई थ्योरम ऑफ एडिशन, इसमें जो पता है लिखिए, जो नहीं पता है मिल जाएगा। यूनियन कितना पता है 2/3 है, पी ऑफ ए कितना है 2/5 है, पी ऑफ बी कितना है एक्स है, इंटरसेक्शन कितना है 2x/5 है। अब बच्चों इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लेंगे क्या, कैलकुलेशन करके एक्स आप निकाल पाएंगे बेटा, मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन आप लोग करके देखिए, मैं चाहता हूं बच्चों कैलकुलेशन आप लोग करके देखिए, कर पाएंगे बच्चा लोग कैलकुलेशन, यस यस यस। जिन्हें सॉल्व किया मुझे तो आपका आंसर क्या रहा है, ये यहां पर 3x/5 है ना, ये एक्स में से माइनस किया तो ये, और यहां पे बस मेरे मजे ले तुम ना, लाइक तुम नहीं रे, सच्ची बोलो क्या, मतलब सच्ची बोलो क्या बेटा, मतलब मैं जब मैं कल में होमवर्क दे रहा, मैं कल में बोला भी था ना कि होमवर्क में तो टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपका आया तो भी अच्छी बात है, ट्राई तो करो करें, मतलब लिटरली बोलो क्या, मतलब आज मैं इस एक्सपेक्टेशन से आया था कि मतलब आपको हार्डली एक दो क्वेश्चन आपको आए होंगे, बाकी सब आप बोलोगे सर नहीं आया करके, लेकिन ये क्वेश्चन आपने किया ना, मैं दिल खुश कर दिया, सच्ची बता रहा हूं, मतलब झूठी तारीफ करने नहीं कर रहा, मतलब ये आपने क्वेश्चन खुद से, मतलब ये नहीं बोला, कुछ लोगों को डाउट हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोला, लेकिन इतने लोगों ने खुद से किया ना, बहुत बड़ा बेटा, हैट्स ऑफ, सच में हैट्स ऑफ बेटा जी, मतलब ये डेडिकेशन बेटा, मतलब आपने खुद को इंप्रूव किया। देखो मैं तो बड़ा अच्छा पढ़ाता हूं, समझा क्या, लेकिन आपने बेटा खुद को वो इंप्रूव करके लिया, इसका मतलब बेटा आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप बच्चों प्रॉपर उसको पढ़ रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। और सबसे मेन मतलब बोलू क्या बेटा, मुझे अच्छी क्या लगी बताया क्या, आपने ये होमवर्क अभी गिवअप नहीं किया बेटा, आपने गिवअप नहीं किया, नहीं तो बहुत बार कैसे होता है, अरे नहीं आ रहा छोड़ दो कल सर देख लेंगे सब बता देंगे ना, आपने ट्राई किया, कोशिश किया, एफर्ट्स लिया और आपको आंसर आया भी, दैट इज द इंपोर्टेंट बच्चों। और मैं बताओ क्या, यही बेटा अच्छी पता है बच्चों, आपको सी एग्जाम में जीत दिलाएगी बेटा जी, और ये जो आप जो एफर्ट ले रहे हो, जो आप ट्राई कर रहे हो, मार्क माय वर्ड, ये बेटा जी आपको सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना के छोड़ेगा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बना के छोड़ेगा, वेरी मतलब मेरे बेटा बेस्ट विशेष बेटा आपके साथ है बेटा, बस ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, ओके, ब्लेस यू ब्लेस यू, दिल से अच्छा लग रहा, दिल से अच्छा लग रहा मेरे को। चलो बच्चा 15 का बी,
बात है, क्या बताया अकाउंट्स का होमवर्क सॉल्व किया सब लोगों ने, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मस्त। चलिए ओके गुड गुड गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 तो आ रहा है, 16 तो एकदम इजी है ना लाइक। 16 में फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूं, पी ऑफ ए कितना है 2/3 है, पी ऑफ बी कितना है 3/4 है, और पी ऑफ क्या है ए अपॉन बी कितना है 2/3। बस मैं यहां पे कैलकुलेशन बता रहा हूं, शायद से कुछ लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। और आपको निकालना है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, बी अपॉन ए। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर है इंटरसेक्शन और नीचे पी ऑफ ए। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के लिए, बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों बी अपॉन ए के लिए दो बातें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, पी ऑफ ए। अरे पी ऑफ ए तो आपको पता है, पी ऑफ ए तो आपको पता है, चिल मार के पी ऑफ ए तो आपको पता है। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए तो मुझे पता है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी मांगता है। वो पता है क्या, नहीं, निकालना पड़ेगा। उसके लिए कुछ हिंट दिया क्या, हा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दिए, ये दिया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट मुझे इंटरसेक्शन निकाला, उसके लिए मैं हेल्प लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है अपने को, 2/3 दिया है। इंटरसेक्शन आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/4 है। अब कैलकुलेशन ध्यान से करो बच्चों, कैलकुलेशन ध्यान से करो, हमको निकालना है क्या इंटरसेक्शन, हमको निकालना है क्या इंटरसेक्शन, हमको निकालना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हमको इंटरसेक्शन बच्चों निकालना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को रखो राइट में, बाकी सबको रखो लेफ्ट में। 2/3 पहले से बच्चों लेफ्ट में था, 3/4 यहां पे क्या था डिवाइड, 3/4 यहां पे क्या था डिवाइड, 3/4 यहां से यहां पे क्या था डिवाइड, यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई, 3/4 यहां पे क्या होगा डिवाइड, यहां पे बच्चों क्या होगा मल्टीप्लाई। यस, अब 3/3 बच्चों कट गया तो 2/4 मिला ना बेटा, 2/4 का मतलब क्या 1/2। सबने सेम वैसे क्या किया, बस सिली मिस्टेक मत करना बेटा। ए इंटरसेक्शन बी के लिए बेटा जी 2/3 तो पहले से लेफ्ट में था, 3/4 यहां पे क्या था नीचे, यहां पे गया ऊपर, 3/4 यहां पे क्या था डिवाइड, यहां पे होगा मल्टीप्लाई, मिल इंटरसेक्शन 1/2। बस कैलकुलेशन ध्यान से करो, बाकी आपको आता है। अब एक बार मिल गया इंटरसेक्शन, अब पुट करो कितना बच्चों इंटरसेक्शन है 1/2 है, पी ऑफ ए कितना नालायक, पी ऑफ ए कितना नालायक 2/3। अब डिवीजन कैसे करेंगे, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड के इनवर्स से मल्टीप्लाई, 3/4 आ रहा है क्या, 16 का सी आ रहा है क्या, क्या बात है, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब 17, अब ध्यान दो 17, जिनको आ रहा है नहीं आ रहा है सब देखिए। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी बी दिया है, इंटरसेक्शन सी दिया है, और आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एबीसी। ये निकाल इन टर्म्स ऑफ एबीसी कैसे करेंगे, पिछला क्वेश्चन बेटा किसी ने अगर पॉइंट में क्या तो भी चलेगा बेटा जी, अगर आपको फ्रैक्शन से डर लगता है तो पॉइंट में करो, कोई दिक्कत नहीं, बेटा आंसर सेम ही चाहता है। अब देखो ये कैसे करना चाहिए बेटा, अभी भी मैंने बताया था जब भी डैश सब में आता है तो क्या अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। इस टाइप के क्वेश्चन की आदत बनाओ बच्चों, जब डैश सब में आता है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर डैश सब में आता है टेक डैश कॉमन, डैश कॉमन लो, अगर डैश को कॉमन लेंगे यहां पे क्या बचेगा ए, यहां पे क्या बचेगा बी। अगर डैश बेटा सब में आ रहा है तो टेक डैश कॉमन, बच्चों डैश को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा ए, यहां पे क्या बचेगा बी, और इंटर सेक्शन का बच्चों क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है बच्चों। अगर डैश बेटा सब में आ रहा है तो टेक डैश कॉमन, टेक डैश कॉमन। अगर बच्चों डैश को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा ए, यहां पे क्या बचेगा बी। अगर बच्चों डैश को बेटा कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा ए, यहां पे क्या बचेगा बी, और इंटर सेक्शन का होगा यूनियन। इतना समझा बच्चा लोग, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया। अब बच्चों मैंने अभी अभी बताया था प्रायोरिटी ऑफ ए डैश क्या होता है, 1 - पी ऑफ ए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या आता है 1 - p(b). उसी तरह से बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट डैश क्या होगा 1 - probability of bracket. Are you getting my point? Probability of a dash क्या होता है 1 - p(a). तो probability of bracket dash क्या होता है 1 - probability of bracket. और नालायक ब्रैकेट में कौन है, a union b है. नालायक ब्रैकेट में कौन है, a union b है. सिंप्लीफाई करते बच्चा लोग, 1 - ये कौन है, a union b है. कौन है बच्चा लोग, a union b है. अब बता how to solve a union b कैसे करेंगे बताओ बच्चा लोग. P of A plus P of B minus P of A intersection B. जी पाना, बस यहां पे ब्रैकेट देना मत भूले, ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस साइन है, इसे ब्रैकेट देना मत भूले, माइनस साइन सबको देना है. यूनियन के लिए क्या अप्लाई करते हैं, एडिशन वैल्यू पुट करो बच्चा लोग. P of A कितना है, A है. P of B कितना है, B है. इंटरसेक्शन C दिया क्या नालायक, P of A को रखा A, P of B को रखा B, इंटरसेक्शन बड़ा C. अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब माइनस साइन सबको दो, यहां पे कौन आएगा माइनस A, यहां पे कौन आएगा माइनस B, और यहां पे कौन आएगा माइनस माइनस प्लस C. अरे झेपा क्या, यहां पे कौन आएगा माइनस A, यहां पे कौन आएगा माइनस B, और यहां पे कौन आएगा माइनस माइनस बच्चों क्या होगा प्लस C. अरे टॉपिक क्लोज. तो बच्चों ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है क्या, जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ बच्चों अप्लाई करने का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट डैश के लिए क्या करने का 1 - probability ऑफ ब्रैकेट. आज ऐसे अपने दो क्वेश्चन किए बच्चा लोग इसी सेम टाइप के, आई होप अब इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको. चलो बेटा फटाफट लिख लो, नाला फटाफट लिख लो ये. बेटा जो नोट्स के जो क्वेश्चन दिए थे बेटा मैंने 64, 65 बेटा सेम क्वेश्चन है बेटा जी. ये क्वेश्चन बेटा होने के बाद में ना नोट्स के अब जो बोलो ना जो नोट्स के मैंने क्वेश्चन बच्चों दिए थे 64, 65, 66 बेटा सेम क्वेश्चन है बेटा. आज के डिस्कशन के बाद में नोट्स के वैसे क्वेश्चन देख लो बन जाएंगे बेटा. आई थिंक नंबर भी सेम थे, नंबर बेटा सेम थे. अरे बेटा सॉन्ग अभी नहीं, बेटा सॉन्ग अभी नहीं, मुझे पढ़ा दो ना लाइक पढ़ा दो. क्वेश्चन 18 बच्चों, क्वेश्चन बच्चों 18 में बच्चों क्या बोला है,
व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट ओनली ए ऑकर्स। ये तो बच्चों इजी, ओनली ए का मतलब क्या है, ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए बट सी नहीं होना चाहिए। ओनली ए का मतलब क्या है, ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए और सी नहीं। ऑप्शन डी आ रहा है क्या बेटा? सॉन्ग बेटा गान में क्यों बेटा पढ़ाना बेटा आज, मतलब बहुत बेटा मुझे बहुत चीजें पढ़ानी मेरे को, पहले वो होने दो बेटा प्लीज। आज का टारगेट है वो, क्योंकि आज मतलब अपने को सब सेट बी सी खत्म करना, मेन मेन क्वेश्चन खत्म करने बेटा जी। चलो बच्चों इतना सेट बी का बेटा होमवर्क खत्म हो गया बेटा जी, सेट बी का डिस्कशन था होमवर्क अपना। अब बच्चों सेट सी, बच्चों लास्ट टाइम मैंने सेट सी में होमवर्क दिया था, बताओ सेट सी के क्वेश्चन वन का आंसर क्या रहा है, याद आ रहा है क्या? लीप ईयर में 53 सैटरडे 53 सैटरडे 53 संडे 53 मंडे में बता रहा बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा नीचे क्या आता है 7, याद है क्या बेटा आपको? लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं 2, आंसर क्या होगा 2/7। नॉन लीप ईयर के लिए क्या आता है 1/7, बच्चों लीप के लिए बच्चों क्या होगा 2/7, नॉन लीप के लिए बेटा क्या होता है 1/7 है। ओके चलेगा बच्चा लोग, यस ये तो आपका आ रहा होगा आंसर। क्वेश्चन टू का बोला आंसर क्या रहा है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हेड, मोर मतलब हेड कैन बी आइदर 2 और 3, बोलो क्या रहा है, टू का बोला आंसर क्या रहा है। ये नालायक शुभम, सॉरी 1 का बता रहे, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 2 का बोला आंसर क्या रहा है, 2 का सी आ रहा है क्या? क्वेश्चन थ्री का बोलो, क्वेश्चन थ्री का बोलो, क्वेश्चन थ्री का आंसर बोलो बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर को नालायक, जल्दी जल्दी आंसर करो। आज थोड़ा सा डिले बहुत ज्यादा हो रहा है, शायद से डिले बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब शायद से पता है क्या ऑडियो वीडियो में ज्यादा डिले हो रहा है, मतलब ये सी किसका बता रहे हो? क्वेश्चन थ्री का भी सी आ रहा है, क्वेश्चन थ्री का भी सी आ रहा है, लेकिन सी है किधर, इधर आंसर 0.75, क्वेश्चन थ्री का 0.75 है क्या, क्वेश्चन थ्री का 0.75 आंसर। ठीक है ना, 0.75 आ रहा है सबका आंसर बेटा, 0.75 है। क्वेश्चन फोर दिया था क्या होमवर्क के लिए, क्वेश्चन फोर दिया था क्या, क्वेश्चन फोर दिया था होमवर्क के लिए, बेटा मुझे बताओ सेट सी में से होमवर्क क्या दिया, बताओ सेट सी का होमवर्क बताओ मुझे एक बार क्या दिया था, सेट सी में से बोल होमवर्क क्या क्या दिया था, बताओ सेट सी में होमवर्क क्या क्या दिया था। ए थ्री में क्या डाउट है, फालतू कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो रे, जिनको सी में डाउट है अगर इतना भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो मत करो भाई, क्वेश्चन थ्री में डाउट है। क्या बोला है, 2-250 के नॉर्मल 36 ऑप्शन है, प्रायोरिटी ऑफ क्या बोला है, नाइदर 6 और 9, सम 6 और 9 नहीं चाहिए, सम 6 और 9 नहीं चाहिए, मतलब सम क्या चाहिए, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा, 12 चलेगा, देखो कितनी बार आता है सम 6 और 9 नहीं चाहिए। वन टू फोर दिया था। चलो बच्चों 1-4 दिया था बच्चा लोग, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बच्चों फोर को देखिए, क्वेश्चन फोर को देखिए,
क्वेश्चन फोर में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट फोर चिल्ड्रन सिलेक्टेड रैंडम, क्या बोला है, फोर चिल्ड्रन सिलेक्टेड एट अ रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थडे, चार बच्चे सिलेक्ट किए, चारों का बर्थडे अलग अलग आने की प्रायोरिटी क्या है, चारों का बर्थडे अलग अलग आने की प्रायोरिटी क्या है, आप कैसे करेंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये चार बच्चे एकदम नालायक लोग हैं, ऐसा पुनः क्वेश्चन किया था, क्या बेटा याद है क्या, टू पर्सन बींग बोर्न ऑन सेम डे, टू पर्सन बींग बोर्न ऑन डिफरेंट डे, पुनः क्या था बेटा, अरे सेम है ना, बींग बोर्न बोलो या बर्थडे मीनिंग सेम होता है बच्चों, अभी क्या बोला है, चार लोगों का बर्थडे डिफरेंट आने की प्रायोरिटी पूछे, चार लोगों का बर्थडे डिफरेंट प्रायोरिटी पूछे। अब बच्चे काम करते हैं, चारों को अलग अलग से करते हैं बच्चों, चार लोगों का बर्थडे अलग अलग आने की प्रायोरिटी पूछ कर निकालनी है, पहले एक एक के लिए करते, पहले फर्स्ट बंदा, चलो फर्स्ट बंदे को देखो बच्चों, फर्स्ट बंदे का बर्थडे डे बोला बेटा, प्रायोरिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन, कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा मेरे को, फर्स्ट बंदे के पास, फर्स्ट बंदे का बर्थडे आने का या फर्स्ट बंदे के पास जन्म लेने के लिए नॉर्मली कितना ऑप्शन है, कहने से फर्स्ट बंदे के पास नॉर्मली 365 ऑप्शन है बेटा, वो 365 में से किसी भी एक दिन पैदा हो सकता है भाई, 365, और स्पेसिफिकली कोई कंडीशन है, अरे फर्स्ट बंदे के लिए कोई कंडीशन बच्चों, फर्स्ट बंदे के लिए नॉर्मली भी 365 ऑप्शन है और स्पेसिफिकली भी 365 ऑप्शन है फर्स्ट बंदे के पास, फर्स्ट बंदा 365 में से किसी भी एक दिन पैदा हो सकता है या उसका बर्थडे कभी भी आ सकता है। सेकंड बंदा, सेकंड बंदे के पास नॉर्मली 365 ऑप्शन है, सेकंड बंदे के पास नॉर्मली 365 ऑप्शन है, बट स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या बोला है, सबका बर्थडे कैसे डिफरेंट, सबका बर्थडे डिफरेंट तब होगा जिस एक दिन पे फर्स्ट का बर्थडे था, सेकंड का वो छोड़ कर गया बेटा, अरे समझा क्या बेटा, सेकंड के पास नॉर्मली 365 दिन है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या होता है, सबका बर्थडे डिफरेंट चाहिए, तो हम सेकंड बंदे को बोलेंगे भाई देख तेरा बर्थडे किसी भी दिन हो सकता है, बस एक दिन जब फर्स्ट का बर्थडे था वो छोड़ के, फर्स्ट के बर्थडे का एक दिन छोड़ दो, सेकंड वाले के पास 364 ऑप्शन है, अरे झेपा के बचा लो, सेकंड वाले के पास नॉर्मली 365 ऑप्शन थे पर स्पेसिफिकली सबका बर्थडे अलग आना चाहिए था, इसके लिए कितने ऑप्शन है बेटा, 364 ऑप्शन है। थर्ड वाला बच्चों, थर्ड वाले के पास नॉर्मली 365 ऑप्शन है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, इसका भी बर्थडे अलग डेट पर होना चाहिए, बर्थडे अलग डेट पर मतलब क्या है, जिस डेट पे फर्स्ट का बर्थडे और सेकंड का बर्थडे आ रहा था वो दो दिन छोड़ के स्पेसिफिकली इसके पास 363 ऑप्शन है, और लास्ट वाले के पास नॉर्मली 365 है और स्पेसिफिकली 362, अरे झेपा क्या बच्चा लोग, फर्स्ट वाले के पास सभी दिन का ऑप्शन है, सेकंड के पास एक दिन छोड़ के जो एक दिन पे फर्स्ट का बर्थडे था ना वो छोड़ के 364 ऑप्शन है, थर्ड वाले के पास दो दिन छोड़ के फर्स्ट सेकंड के 363 ऑप्शन है, और लास्ट वाले के पास तीन दिन छोड़ के 362, बीच में क्या होगा एंड, फर्स्ट का बर्थडे भी चाहिए, सेकंड का भी चाहिए एंड थर्ड का भी, एंड के लिए क्या मल्टीप्लाई, ये 365 क्या होगा कट, ऊपर कौन आएगा 364 363 362, और नीचे ये तीन बार एक है, तीन बार मतलब बच्चों क्या होगा क्यूब, अरे नालायक निधि, नालायक निधि 7 डेज में होता बेटा, डेज बोला है तो मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 का फंडा होता है, यहां पे डेट बोला है, डेट डेट मतलब कैलेंडर, डेट 365 होता है बेटा और डेज 7 होते हैं, याद रखिए, अगर सबका बर्थडे डिफरेंट डे को बोलते थे, फर्स्ट के लिए 7/7, सेकंड के लिए 6/7, थर्ड के लिए 5/7, फोर्थ के लिए 4/7, अगर डिफरेंट डे बोलते थे, डे मतलब मंडे टू सैटरडे, ओके बेटा, यहां पे डिफरेंट डेट बोला है, डेट कितने 365 होते हैं। झेपा क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो, पहले पढ़ो बेटा जी, फोकस फोकस फोकस, अभी समझा गया नालायक, हो गया क्वेश्चन फोर का बेटा जी, यस इजी क्वेश्चन था,
सेम क्वेश्चन था ना। अब मुझे था। देखो एग्जाम में ऐसा होता है। अब बता कैसे कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ाता है क्या? बस सर ने किसके लिए पढ़ाया था? डे स्केल पढ़ाया था। यहां पे कौन है? डेट है। ऐसे बच्चों एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके बच्चों पूछेंगे, लेकिन आपका लॉजिक बेटा क्लियर है तो कर पाएंगे बच्चा लोग। समझा क्या? अब एक काम करते हैं नालायक, अब कुछ क्वेश्चन, अभी कुछ भारी भारी क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब तक के फिर भी एकदम टाइम पास क्वेश्चन थे बेटा, अब एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बेटा स्टार्ट हो रहे। बच्चा बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9, 13 और 16। ये 6 क्वेश्चन बेटा करने, ये सारे बच्चों बेटा बॉल्स वाले बेटा समय एकदम डेंजर समय, भारी समय, बहुत मजा आएगा बेटा। जिसका बेटा अभी तक इंतजार था बेटा एकदम भारी क्वेश्चन का, बहुत क्वेश्चन बेटा आ चुके, ये 6 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा। तो ये जो 6 क्वेश्चन बेटा, इसको एकदम आईएमपी मार्क कर लो। और पहले बता रहा हूं ये सबके सब 6 क्वेश्चन पूरे अलग है बेटा, सब में बहुत खतरनाक लॉजिक बेटा लगाना पड़ेगा। और इसलिए आज घर में जाके ये 6 के 6 क्वेश्चन आप 2 बार सॉल्व करेंगे, 2 बार आज। जो भी ये 6 क्वेश्चन का टास्क तो पूरा बच्चों करने का है, और मैं होमवर्क भी दूंगा बच्चा लो। तो आज का बेटा टास्क यही होगा बेटा जी, आज जो मैं होमवर्क दूंगा उसको अच्छे से ईमानदारी से करने का बेटा आपको आज, बाकी कुछ नहीं करना बेटा, मुझे ये टारगेट पूरा चाहिए बेटा आपका, ठीक है? टेंशन मत लो बेटा, लेक्चर के एंड में आपको मैं टारगेट दूंगा बच्चा लोग, वो टारगेट आपको पूरा कर, लेक्चर के एंड में बताऊंगा बेटा, इसी चैप्टर का दूंगा टारगेट आपको, ठीक है? चलिए एकदम भारी 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 मस्त क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5। चले सब नालायक लोग क्वेश्चन 5 को एकदम आराम से पढ़ लो, 3-3 बार पढ़ो, चाहे समझा भी नहीं समझे, पढ़ने का, ऐसे पढ़ने का पढ़ो। चलिए पढ़ा क्वेश्चन फोकस कमेंट बन, अभी कमेंट बन बेटा। अब बच्चों देखिए, अब अगले आधे पौन घंटे के लिए सब कमेंट बन, एकदम पूरा ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है? अब बॉक्स कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। एक बॉक्स है इसमें 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल है, 2 सक्सेस टोटल बच्चों 12 बॉल है, 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड। 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल मतलब क्या है? पहली बार में 3 बॉल निकाले, दूसरी बॉल में 3 बॉल निकाले, 3 बॉल के 2 ड्रॉ, 2 सक्सेसिव ड्रॉन ऑफ 3 बॉल्स आर मेड का मतलब क्या है? पहली बार में 3 बॉल निकाले, दूसरी बॉल में 3 बॉल निकाले, ओके? 3 और 3, 6 बॉल, 6 बॉल निकाले, एक साथ निकाले क्या? नहीं, 2 बार में।
पहली बार में तीन, सेकंड बार में तीन। ओके, एकदम अच्छी बात है। कैसे? समय दो कंडीशन है, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ वुड प्रोड्यूस व्हाइट बॉल एंड सेकंड ड्रॉ वुड प्रोड्यूस ब्लैक बॉल? फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल आएगा और सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे। अब प्लीज फोकस करना, ये जो क्वेश्चन का जो तरीका मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में तरीका बच्चों थोड़ा सा टफ लगेगा, बट धीरे धीरे आपको समझेगा। और मैंने पहले बताया, आज शाम को विदाउट फेल ये सारे क्वेश्चन आप दो बार खुद से सॉल्व करेंगे, तब पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। लिख के रखिए, दो बार करना, मतलब करना है शाम को। ओके, चिल मार के। अब देखो बच्चों, मैं बच्चों अभी क्वेश्चन जिससे मैं सॉल्व करता, बच्चों जैसे बच्चों डायग्राम ड्रॉ करा, प्लीज ध्यान दो जो बताना चाहता बेटा, जो बताना बेटा। सम का समय दो केस है, हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट केस, दैट इज विथ रिप्लेसमेंट। नहीं सॉरी, काम करते सबसे पहले बेटा हम लोग करते विदाउट रिप्लेसमेंट, करते ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम करते हैं सेकंड केस विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो एकदम चिल मार के बेटा, मुझे आता बॉक्स में व्हाइट बॉल कितने थे? पांच। ब्लैक कितने थे? सात। सॉरी, व्हाइट बॉल कितने थे बच्चों? पांच। ब्लैक कितने थे? सात। ठीक है, आपने कितनी बार बॉल निकाला? दो बार। फर्स्ट टाइम कितने बॉल निकाले? तीन बॉल निकाले। सेकंड टाइम कितने बच्चों निकाले? तीन बॉल निकाले। फर्स्ट टाइम में तीन बॉल निकाले और सेकंड टाइम में तीन बॉल निकाले। फर्स्ट टाइम में तीन बॉल निकाले और सेकंड टाइम में तीन बॉल निकाले। चिल मार के बेटा, फर्स्ट टाइम में तीन बॉल निकाले और सेकंड टाइम बच्चों तीन बॉल निकाले। बच्चों बाद में क्या बोला है? बच्चों बेटा बाद में क्या बोला है? What is the probability that first draw would produce white ball? First draw के तीनों ball white आने की और second draw के तीनों ball बेटा black आने की probability पूछिए। First draw के तीनों ball बच्चों white चाहिए, first draw would produce white ball and second draw would produce black ball, इसकी probability पूछिए। कैसे करेंगे? Chill मार के। हमें probability निकालने किसकी? First draw में white ball और सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल, निकालने की प्रॉब्लम पूछे। बच्चों आप बताइए आराम से, इस क्वेश्चन में कितने बॉल निकाले? आपने से छह बॉल निकाले, बट क्या छह बॉल एक साथ निकाले क्या? ना। पहली बार में कितने निकाले? तीन बॉल। सेकंड बार में कितने निकाले? तीन। पहली बार में कितने निकालेंगे? तीन। सेकंड बार में कितने निकालेंगे? तीन। मतलब बच्चों इस समय दो इवेंट है, इस समय दो इवेंट है। मैं काम करता हूं, जब भी समय दो इवेंट आएंगे मैं दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग से निकालता हूं। पहला इवेंट क्या बोलता है? फर्स्ट टाइम तीन बॉल निकाले, फर्स्ट टाइम तीन बॉल निकाले और तीनों बॉल क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए। तीनों सबसे पहले क्या निकालूंगा? फर्स्ट टाइम के जो तीन बॉल है वो तीन बॉल व्हाइट आने की प्रायोरिटी निकालूंगा। फिर सेकंड टाइम के जो तीन बॉल है, सेकंड टाइम के जो तीन बॉल है, ये तीन बॉल ब्लैक आने की प्रॉब्लम निकालूंगा। आपको झेपरा में क्या क्या बोला चाहता बेटा जी? दो बार बॉल निकाले, फर्स्ट बार में तीन निकाले, सेकंड बार में तीन निकाले। पहले तीन क्या आने चाहिए? व्हाइट। सेकंड तीन क्या चाहिए? ब्लैक। मैं क्या निकालूंगा? पहले तीन व्हाइट आने की प्रॉब्लम निकालूंगा और दूसरे तीन बच्चों ब्लैक आने की प्रॉब्लम निकालूंगा। चिल मार के, पहले फर्स्ट तीन, सबसे पहले क्या निकाला? पहले तीन बॉल व्हाइट आने की प्रॉब्लम। अब सबको पता है प्रायोरिटी का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन। बच्चों प्रायोरिटी का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक कंडीशन अपॉन नॉर्मल कंडीशन। एकदम चिल मार के, कौन बताएगा? सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या चाहिए? पहली बार में तीन व्हाइट बॉल आने की प्रायोरिटी। पहले बार में तीन व्हाइट बॉल आने की प्रायोरिटी। कितने बॉल निकाले? तीन। कितने में से? सर बॉल्स कितने थे? पांच और सात बारह। कितने थे? बारह। नॉर्मली बारह में से कोई भी तीन बॉल निकालो बाय ट्वेल्व से थी। नॉर्मली बारह में से कोई भी तीन बॉल निकालो बाय ट्वेल्व से थी। कोई भी तीन बाय ट्वेल्व से थी। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली फर्स्ट ड्रॉ के बॉल क्या रहे चाहिए? व्हाइट। स्पेसिफिकली फर्स्ट ड्रॉ के बॉल क्या रहे चाहिए? व्हाइट।
वाइड कितने, पांच, चाहिए कितने, तीन, पांच वाइड में से तीन निकालो बाय 5c3। अरे नालायक थोड़ा बहुत समझा क्या, हनुमचर क्या कह रहे को, फर्स्ट ड्रॉ को सॉल्व किया, फर्स्ट ड्रॉ के बॉल व्हाइट आने के प्रोबेबिलिटी निकालने, हमें पता है फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे 12 बोलते नॉर्मली 12 में से कोई भी तीन निकालो, नॉर्मली 12 में से कोई भी तीन निकालो बाय क्या होगा 12c3, नॉर्मली 12 में से कोई भी तीन निकालो बाय क्या होगा 12c3। स्पेसिफिकली हमें क्या चाहिए, व्हाइट, व्हाइट कितने बेटा, पांच, पांच व्हाइट में से तीन निकालो बाय 5c3, नॉर्मली 12 में से कोई भी तीन निकालो बाय 12c3। स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, व्हाइट, पांच व्हाइट में से तीन निकालो बाय 5c3। चिल मार के बेटा जी, फर्स्ट ड्रॉ हो गया, फर्स्ट ड्रॉ के तीन बॉल निकाले, अब मुझे करना है सेकंड ड्रॉ। बट बच्चों फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ के बीच में, फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ के बीच में एक घटना बच्चों घट रही है जिसका नाम है विदाउट रिप्लेसमेंट। WOR का मतलब क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या सर, देखो स्टार्टिंग में व्हाइट कितने थे, पांच, ब्लैक कितने थे, सात, 12 बोलते हैं। फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे तीन बॉल निकाले, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे तीन बॉल निकाले। सवाल उठता है सेकंड ड्रॉ से पहले वो तीन बॉल वापिस रिप्लेस किए या फिर नहीं किए। बच्चा लोग देखे, मैं दोबारा बच्चा बता रहा हूं, मेरे पास एक बॉक्स था बेटा, इस बॉक्स में पांच व्हाइट और सात ब्लैक बॉल थे, 12 बॉल थे। फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे मैंने बच्चों क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे इसमें से मैंने तीन बॉल निकाले, तीन बॉल निकाले। अब सेकंड ड्रॉ करना है, हो सकता है कि सेकंड ड्रॉ के पहले ये तीन बॉल मैं तो फिर से बॉक्स में रिप्लेस करूंगा या रिप्लेस नहीं करूंगा, या कुछ बोला है क्या, हाँ सर बोला है, क्या बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे जो तीन बॉल निकाले थे वो बॉक्स में रिप्लेस किए च नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, अरे बॉक्स में रिप्लेस नहीं किए, इसका मतलब सेकंड ड्रॉ के टाइम पे उतने ही बॉल रहेंगे या कम हो जाएंगे, सर कम हो जाएंगे, कि सब बॉल जो निकाले थे रिप्लेस नहीं किए सब बॉल कर जाएंगे, कम, कौन से कम होंगे, अरे सर फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे व्हाइट बॉल निकाले थे सर व्हाइट बॉल क्या जाएंगे, कम, सर व्हाइट बॉल पहले कितने थे, पांच, अब कितने बचेंगे, दो, सर व्हाइट बॉल पहले पांच थे, तीन निकाले ना, वो निकाल के फेंक दे, कितने बचेंगे, दो, ब्लैक बॉल कितने थे, सात, अब सात के क्या बचेंगे, सात, आपको झेपा क्या, मैं क्या करूं बेटा जी, फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ के बीच में रिप्लेस नहीं हुआ है, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे जो तीन बॉल निकाले थे वो तीन बॉल वैसे बाहर है बेटा, सेकंड ड्रॉ के टाइम पे व्हाइट कितने बचे, दो, पांच में से तीन गे कितने बचे, दो, और ब्लैक कितने बचे, सात, दैट्स इट, एकदम चिल मार के बेटा जी। अब बताओ अब हमारे पास टोटल बॉल कितने, दो और सात, नो, अब बताओ अब हमारे पास टोटल बॉल कितने, दो और सात, नो, व्हाइट बॉल दो है, ब्लैक बॉल सात है, टोटल कितने बॉल बच्चों, नो है। अभी सेकंड ड्रॉ के टाइम पे कितने चाहिए, तीन, और स्पेसिफिकली वो कैसे चाहिए, ब्लैक के चाहिए, देखते, तो सेकंड ड्रॉ के टाइम पे तीन ब्लैक निकालने की प्रायोरिटी चाहिए, तीन ब्लैक की प्रायोरिटी, ट्राई करते हैं, बताओ सेकंड ड्रॉ के टाइम पे कितने बॉल से, 12 या नो, नो, दो सात, नो, नो में से कोई भी तीन निकालो बाय 9c3, नो में से कोई भी तीन निकालो बाय 9c3। स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, ब्लैक, ब्लैक कितने थे, सात, सात ब्लैक में से तीन निकालो बाय 7c3। चिल मार के सेकंड ड्रॉ के टाइम पे नॉर्मली नो बॉल थे, नो में से कोई भी तीन निकालो बाय 9c3, स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, ब्लैक, ब्लैक कितने थे, सात, चाहिए कितने, तीन, बाय 7c3। अब बच्चों बीच में क्या होगा, एंड होगा या और होगा, एंड, क्योंकि हमें फर्स्ट भी तीन भी निकाले एंड सेकंड तीन भी निकाले, फर्स्ट ड्रॉ भी करना एंड सेकंड ड्रॉ भी करना, एंड के लोग मल्टीप्लाई, 5c3 कितना आता है, 10, 12c3 220, 7c3 35, 9c3 42, सिंप्लीफाई करते बच्चा लोग, अब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा लोग, कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पर सात से करो क्या, 7 5 35, 7 6 42, फिर
जीरो जीरो कट करेंगे बच्चा लोग, ऊपर कौन आएगा पांच और नीचे कौन आएगा 132 आ रहा है कैंसर। देखो मैंने कैलकुलेशन सही किया क्या, कुछ मिस्टेक मैंने किया कैलकुलेशन में, देखो कुछ मिस्टेक क्या लगा कैलकुलेशन में जो लगता है। 9C3 मैंने गलत किया क्या, 9C3 शायद से गलत हो गया मेरे से, 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 6 84 है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक 84 है बेटा, सॉरी सॉरी 84 आता है, ये 35.84 है डिवाइड बोथ बाय 7, 7 5 जा 35, 7 12 जा 84, ऊपर कितना आएगा बच्चों 5 × 1 = 5 आ रहा है, नीचे बड़ा कितना आएगा 22 × 12 आएगा, आंसर 264, 5 / 264 है, दैट्स इट। आई होप थोड़ा बहुत तो समझाएगा बेटा, चिल मारो बेटा, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपको समझेगा। ये समझ बेटा सेकंड केस क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट, जो बॉल निकाले थे वापस रिप्लेस किए नहीं, समझ के फर्स्ट केस में क्या है विथ रिप्लेसमेंट। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे किससे बच्चा लोग, विथ रिप्लेसमेंट से, मतलब क्या है फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे 3 बॉल निकाले और वो बॉल वापिस रिप्लेस किए बॉक्स में, फिर सेकंड ड्रॉ क्या, फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ के बीच में क्या है रिप्लेसमेंट बोला है बेटा, विथ रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे जो 3 बॉल निकाले सेकंड ड्रॉ में क्या करेंगे रिप्लेस। अब देखो बच्चा लोग, जिनको बच्चों फर्स्ट केस में हल्का सा कंफ्यूजन होगा, अब ये सेकंड केस बेटा अच्छे से देखिए, मैं जिस तरह से बच्चों लिख रहा हूं जैसे बच्चों बोल रहा हूं प्रेजेंट अच्छे से बच्चों देखिए, तो आपको दोनों केस दिमाग में जाएंगे। जिनको इनिशियल कंफ्यूजन था चिल मारो, अभी देखो पूरा समझेगा बच्चा लोग। देखो फिर से बता रहा थी, समय बताओ कितने बॉल निकाले, 6 बॉल एक साथ निकाले ना सर जी, 2 पार्ट में निकाले, फर्स्ट ड्रॉ में कितने निकाले 3, सेकंड ड्रॉ में कितने निकाले 3, ट्राई करते हैं बता बच्चा लोग। इनिशियल व्हाइट कितने थे 5 थे, ब्लैक कितने थे 7 थे, व्हाइट कितने थे 5 थे, ब्लैक कितने थे 7 थे, कितने बॉल थे 12, चाहिए कितने 3। हम एक ही ड्रॉ के लिए करेंगे पहले फर्स्ट ड्रॉ के लिए, और क्या है फर्स्ट ड्रॉ के तीनों के तीनों बॉल क्या अच्छे व्हाइट, फर्स्ट ड्रॉ के तीनों बॉल क्या अच्छे व्हाइट, व्हाइट बॉल आने की प्रायोरिटी पूछे फर्स्ट ड्रॉ में, ट्राई करते बताओ। फर्स्ट ड्रॉ के पास कितने बॉल थे 12, कितने निकालने 3, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3 क्या होता है 12 सी थी, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3 क्या होता है 12 सी थी, स्पेसिफिकली वो कौन चाहिए व्हाइट, स्पेसिफिक कंडीशन क्या कौन चाहिए व्हाइट, बोलो व्हाइट कितने थे 5, चाहिए कितने 3 बाय 5C3। अरे झेपा क्या, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3 क्या होता है 12C3, स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए व्हाइट, 5 व्हाइट में से 3 निकालो बाय 5C3, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3 क्या होता है 12C3, स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए व्हाइट, 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट निकालो बाय 5C3, चिल मार के हो गया फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे 3 बॉल निकाले, अब मुझे सेकंड ड्रॉ करना है, लेकिन फर्स्ट ड्रॉ के बाद सेकंड ड्रॉ करने से पहले यह पता होना चाहिए फर्स्ट ड्रॉ के जो 3 बॉल निकाले वो रिप्लेस किए या फिर नहीं किए। अब सम किसका है विथ रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है फर्स्ट ड्रॉ के बाद सेकंड ड्रॉ करने से पहले ये बॉल क्या के रिप्लेस के, डब्ल्यू आर फॉर विथ रिप्लेसमेंट, डब्ल्यू ओ आर फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब क्या बॉल को रिप्लेस किया क्या, हा सर जी फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे जो 3 बॉल निकाले थे वो वापिस क्या के रिप्लेस किए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अरे सर 3 बॉल निकाले थे वापिस रख दिए तो बॉल उतने रहेंगे ना सर, समझा क्या सर, बॉल उतने रहेंगे ना, व्हाइट बॉल पहले कितने थे 5, 3 निकाले 2 रहेंगे, अरे सर 2 कैसे रहेंगे सर, 5 में से भले 3 निकाले थे वापस रिप्लेस भी किए ना सर, अब कितने रहेंगे 5 के 5 और ब्लैक भी उतने। आपको समझा गया बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट में रिप्लेस नहीं किया था तो व्हाइट बॉल कितने बचे थे 2, लेकिन अभी कितने बचे 5 के 5, उतना ही बेटा फर्क है, बाकी सम क्या है सेम है। अब तो अगेन सेकंड ड्रॉ के टाइम पे कितने बॉल है 12, अभी कितने बॉल है 12, रिप्लेस हो चुका है कुछ कम नहीं हुआ है, बॉल कितने बच्चों 12, चाहिए कितने 3, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3 क्या होता है 12C3, नॉर्मली 12 में से कोई भी 3 क्या होता है 12C3, कोई भी 3, स्पेसिफिकली सेकंड ड्रॉ के बॉल कैच है ब्लैक, स्पेसिफिकली सेकंड ड्रॉ के बॉल कैच है ब्लैक।
स्पेसिफिकली सेकंड राउंड के बॉल क्या चाहिए? ब्लैक, सब में बोला है, बताओ ब्लैक बॉल कितने हैं? सात, चाहिए कितने? तीन, सात में से तीन सेवन से थे। नॉर्मली सेकंड ड्रॉ में बारह में से कोई भी तीन बाय ट्वेल्व से थे, स्पेसिफिकली वो कैच है ब्लैक बाय सेवन से थे। बीच में क्या होगा? एंड होगा, और हमें फर्स्ट ड्रॉ भी करना है एंड सेकंड ड्रॉ भी करना है, हमें फर्स्ट ड्रॉ भी करना है एंड सेकंड ड्रॉ भी करना है। बोलो बच्चों, फाइव सी थ्री कितना आता है? टेन। ट्वेल्व सी थ्री कितना आता है? दो सौ बीस। सेवन सी थ्री थर्टी फाइव और 12 सी थ्री 220। करो बच्चा लोग सिंप्लीफाई, ये 0-0 कट डिवाइड बोर्ड बाय 5, 30 बाय 5 कितना हो गया? 7। 220 बाय 5 कितना हो गया? 44। ऊपर कितना हो गया? 7। अब नीचे क्या होगा? 22 इंटू 44 क्या होता है? 968। तो फर्स्ट का आंसर 968 है और सेकंड का आंसर 5/264 है। इनको जोड़ना मत, एक ही समय दो अलग अलग केस है। फर्स्ट का आंसर 7/968 और सेकंड का 5/264। ऑप्शन डी में है क्या? एक ही समय दो केस है। अरे झेपा क्या? ईशान मेरे भाई, मेरे को प्रैक्टिस है बेटा, वो हो जाता है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसके बड़े एक ही जो प्रैक्टिस में हमेशा बोलता बेटा, दुनिया में बोलूंगा बेटा, कोई बेटा इंसान वाला बहुत भारी नहीं होता बेटा, समझा बेटा। सबके पास इतना ही दिमाग होता बेटा, बस प्रैक्टिस मैटर करता बेटा, प्रैक्टिस मैटर करता है। सबको झेपा क्या? मजा आया क्या सब में? बस दो ड्रॉ करने, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे तीन बॉल, सेकंड ड्रॉ में तीन बॉल, बस चेक करो रिप्लेस किया या रिप्लेस लेके। रिप्लेस नहीं किया ठीक है, तो सेकंड ड्रॉ के टाइम पे कितने बॉल बचेंगे? नो। और रिप्लेस किया तो सेकंड ड्रॉ में कितने बचेंगे? 12/12। अरे झेपा का नाला है। अब एक काम करो, पहले फटाफट बच्चों एक काम करो, लिख लो बच्चा लोग, लिख लो पहले क्वेश्चन फाइव का सोल्यूशन लिख लो, और मैं आपको और एक क्वेश्चन आपको करने दे रहा हूं। लिखो लिखो फटाफट क्वेश्चन फाइव का सोल्यूशन, क्वेश्चन फाइव के दोनों का लिखो, लिखो फटाफट प्रॉपर जैसे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया सेम वे से बच्चा लोग। चो नालायक, ये ड्रॉ करके होगा डायग्राम,
चलो बच्चा लोग फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। चलो ये लिख के हो गया। ओके अब एक काम करो, जिसका बच्चों लिख के बेटा हो जाए, जिसका बच्चों लिख के हो जाए बेटा, इसी टाइप में मैं एक और क्वेश्चन बच्चों दे रहा हूं, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, इसी बच्चों टाइप में बेटा मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम टाइप बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन एट है, पर यहां पे बोला विदाउट रिप्लेसमेंट है। कौन सा बच्चों? एक मिनट, इस समय बच्चों एक ही समय पे दो क्वेश्चन है बेटा, विथ विदाउट दोनों बीत रहे, क्वेश्चन एट में सिर्फ क्या बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्या हो रहा है? क्वेश्चन एट बेटा आपको करना है, क्वेश्चन एट करना है, सेम टाइप का समय बेटा। चलो बच्चों ये लिखो बेटा, और जिनका बच्चों लिख के हो जाएगा क्वेश्चन एट आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन एट आपको ट्राई करना है, सेम टाइप का। मैं देखना चाहूं किसको आता बेटा जी, बस जिसका भी आ जाएगा प्लीज आंसर ग्रुप पे शेयर नहीं करेगा, कोई भी दंडन भी नहीं बोलेगा बेटा, जब मैं बोलूंगा तब बोलने का बेटा जी। ओके क्वेश्चन एट आपको ट्राई करना है, सेम टाइप का है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है, कोशिश करो, मुझे पता चाहिए कितना आपको समझाए, को ट्राई करो फटाफट।
चलो नालायक सबको क्वेश्चन एट आ रहा है बेटा, चलो बता मुझे क्वेश्चन एट का आंसर बताओ क्या है, क्वेश्चन एट का आंसर क्या है, क्वेश्चन एट का आंसर बोलो क्या है, क्वेश्चन एट का आंसर अब बताओ एट का आंसर क्या है आप लोगों का, और सबका आ रहा है क्या, फर्स्ट ड्रॉ में 13 में से कोई भी तीन निकाले ना बेटा, और तीनों के तीनों के अच्छे व्हाइट, पांच व्हाइट में से तीन फाइव रेसे ही ना फर्स्ट ड्रॉ में बेटा, और हम विदाउट रिप्लेस है, रिप्लेस नहीं किया बेटा, नॉर्मली 13 बोलते हैं, सेकंड ड्रॉ में कितने बचेंगे 10, 10 में से कोई भी तीन 10C3, और तीनों के तीनों के अच्छे रेड 8C3, सबने सेम वे से क्या क्या नालायक सी आ रहा है सबका, सबने इसी वे से किया, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, सबको जमरा बच्चा लोग, यस सबका मैच हो रहा आंसर, फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे 13 बॉल तो बड़े, सेकंड ड्रॉ में कितने बच्चों देखो 3, यस चलो चिल मार के एकदम, तो ये सबको कौन से बच्चों क्लियर है, विथ रिप्लेसमेंट विरोध बच्चों, विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो उतने ही बॉल रहेंगे सेकंड ड्रॉ के टाइम पे, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो बॉल बच्चों कम हो जाएंगे, बाकी एकदम फंडा एकदम चिल मार के सिंपल है। अब बच्चों इसी में देखो बच्चों नेक्स्ट वाले बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सिर्फ अब मैं करूंगा आप ट्राई, बस क्वेश्चन 6 में एक छोटा सा करेक्शन बेटा, वहां पे बोला है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, वहां पे करेक्शन बेटा, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, चाहिए वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, देन फिर आगे कंटिन्यू है, ठीक है चलो काम करें अभी सब बच्चे आराम से क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के निकल, एकदम आराम चिल मार के 6 को पढ़ो, पढ़ा देर आर थ्री बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, अब छिल मार के देखो बच्चों, पिछले बच्चों समय एक ही बॉक्स था, एक ही बॉक्स में दो बार बॉल निकाले थे, या फिर तीन अलग अलग बॉक्स है बच्चों, हर समय अलग अलग तीन बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में देखिए रेड कितने 5 है, व्हाइट कितने 7 है, ब्लू कितने हैं 6, रेड कितने बच्चों 5 है, व्हाइट कितने बच्चों 7 है, ब्लू कितने 6, सेकंड बॉक्स में रेड कितने 4 है, व्हाइट कितने 8 है, और ब्लू कितने 6, ठीक है चिल मार के, थर्ड बॉक्स में रेड कितने 3 है, व्हाइट कितने 4 है, और ब्लू कितने 2 है, मैं दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट बॉक्स में रेड 5 है, व्हाइट 7 है, ब्लू 8 है, सब मिला के 18 बॉल है, सेकंड बॉक्स में रेड 4 है, व्हाइट 8 है, ब्लू 6, सब मिला के 18 बॉल है, थर्ड बॉक्स में रेड 3, व्हाइट 4, ब्लू 2, सब मिला के 9 बॉल है, ओके बच्चों एकदम छील मार के एकदम, ठीक है ना, ये दिया आपने को, क्या बोला है? अब देखो इतना समझा,
अब क्या है, वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स. क्या बोला है, वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स. कितने बॉल निकाले, एक बॉल. किसमें से, फ्रॉम ईच बॉक्स, मतलब नालायक इसमें से भी एक बॉल निकाला, इसमें से भी एक बॉल निकाला, इसमें से भी एक बॉल निकाला. यहां पर कितने इवेंट है, तीन इवेंट है. अरे पिछले सब में क्या था, दो इवेंट है. पहले ड्रॉ में तीन बॉल निकाला, सेकंड ड्रॉ में तीन बॉल, ये दो इवेंट है. यहां पर तीन इवेंट है, फर्स्ट में से एक बॉल, सेकंड में से एक बॉल, थर्ड में से एक बॉल, तीन इवेंट है. मैंने पहले बोला इवेंट पहचाने का, हर इवेंट की प्रायोरिटी अलग से, फर्स्ट बॉल की प्रायोरिटी अलग से, सेकंड बॉल की प्रायोरिटी अलग से, थर्ड की प्रायोरिटी अलग से. थोड़ा बहुत समझा बेटा जी, तीन बॉक्स थे, फर्स्ट में से निकाला एक बॉल, सेकंड में से निकाला एक बॉल, थर्ड में से निकाला एक बॉल. अब कंडीशन क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर. अरे कितने बॉल निकाले, तीन. तीनों साथ में निकाले क्या, ना. इसमें से एक निकाला, इसमें से एक, इसमें से एक. और क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर. कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे वुड बी ऑफ सेम कलर. इसमें से भी बॉल निकाला, इसमें से और इसमें से, दे वुड बी ऑफ सेम कलर. तीन केस बनेंगे ना, दे वुड बी ऑफ सेम कलर का बेटा मतलब क्या आता है, एक तो तीनों के तीनों क्या होंगे, रेड. या बच्चा लोग, तीनों के तीनों क्या होंगे, रेड. तीन केस बनेंगे ना बच्चा लोग. फर्स्ट केस क्या बोलता है, तीनों के तीनों क्या होंगे, रेड. या तीनों के तीनों क्या होंगे, व्हाइट. या तीनों के तीनों क्या होंगे, ब्लू. अरे झेपा के बच्चा लोग, एक ही समय कितने आ रहे, तीन केस. तीनों के तीनों क्या होंगे, रेड. तीनों के तीनों व्हाइट और तीनों के तीनों ब्लू. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड. अब फोकस, अब फोकस. ऐसे करेंगे, प्लीज फोकस करो बच्चा लोग, ध्यान सुनना. तीन बॉक्स थे, अब एकदम आराम से, फिर से एकदम आराम से चिल मार के. तीन बॉक्स थे, फर्स्ट में से एक बॉल निकाला, सेकंड में से एक बॉल. क्या बोला है, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स. हर एक में से एक बॉल निकाला, इसमें से भी एक बॉल, इसमें से भी एक बॉल, इसमें से भी एक बॉल निकाला. और क्या बोला है, दे शुड बी ऑफ सेम कलर. तीन केस बने, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, रेड. या तीनों के तीनों क्या होंगे, व्हाइट. या तीनों के तीनों क्या होंगे, ब्लैक. एक एक केस को सॉल्व करते हैं. पहले फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या बोलता है, तीनों के तीनों क्या अच्छी, रेड. फर्स्ट केस क्या बोलता है, तीनों के तीनों रेड. कैसे करेंगे, चलो बेटा मैंने पहले बताया इसमें तीन इवेंट है, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल. तीनों की प्रायोरिटी अलग अलग से. पहले फर्स्ट बॉल की प्रायोरिटी, फर्स्ट बॉक्स में कितने बॉल है, 18. कितने चाहिए, एक ही चाहिए, नॉर्मली एक, नॉर्मली 18 में से कोई भी एक, बाय 18-7. फर्स्ट बॉक्स के पास बच्चों 18 बॉल थे, नॉर्मली 18 में से कोई भी एक क्या होता है, 18-7. स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, रेड. स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, रेड. रेड कितने थे, 5. मंगता है 1/5-7. अरे झेपा के बेटा, फर्स्ट बॉक्स के पास 18 बॉल थे, नॉर्मली 18 में से कोई भी एक क्या होता है, 18-7. स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, रेड. रेड कितने थे बच्चों, 5. कितने मंगते, 1/5-7. चिल मार के. सेकंड बॉक्स, ओके, हाँ सेकंड बॉक्स, सेकंड बॉक्स में कितने बोलते हैं, 18. कितने चाहिए, एक. नॉर्मली 18 में से कोई भी एक, बाय 18-7. नॉर्मली 18 में से कोई भी एक क्या था, 18-7. स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, अगर रेडी चाहिए बेटा जी, रेड कितने, 4. एक चाहिए, बाय 4-7. नॉर्मली 18 में से कोई भी एक, बाय 18-7. और स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, रेड, बाय 4-7. अब थर्ड बॉक्स, मुझे थर्ड बॉक्स में क्या है, नॉर्मली 9 में से कोई भी एक क्या होता है, 9-7. नॉर्मली 9 में से कोई भी एक क्या होता है, 9-7. और स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, रेड. स्पेसिफिकली क्या चाहिए, रेड. तीन रेड में से एक क्या होगा, 3-7. अरे झेपा क्या बेटा, ओके बेटा, कमेंट करें मना नहीं किया. मुनिका फालतू कमेंट नहीं बेटा, मुझे आपका नॉलेज अपने घर में रखो, यहां पे ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा बेटा उस पे. चलो बेटा मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, मैं बता बच्चों, तीनों तीनों बच्चों क्या रेडी चाहिए, तीनों तीनों बच्चों रेडी चाहिए. पहले फर्स्ट बॉक्स के लिए नॉर्मली 18 में से कोई भी एक, 18-7. स्पेसिफिकली वो क्या चाहिए, रेड. रेड कितने थे, 5. सेकंड बॉक्स के टाइम पे नॉर्मली कितने बच्चों, 18 बोलते, 18 में से कोई भी एक. स्पेसिफिकली क्या चाहिए, रेड. कितने थे, 4.
थर्ड बॉक्स के डाउन पे नॉर्मली नो बॉल थे, नॉर्मली नो में से कोई भी एक 9C1, स्पेसिफिकली वो कैच रेड बाय 3C1, झिप्पा का नालायक। बीच में क्या होगा, एंड हमें फर्स्ट बॉल भी निकालना है एंड सेकंड बॉल भी निकालना है, हमें फर्स्ट बॉल भी निकालना है एंड सेकंड बॉल भी निकालना है। करते सिंप्लीफाई कैसे, 5C1 5, 4C1 4, 5 × 4 20, 20 × 3 कितना आ रहा है 60, 5 × 4 20 × 3 60। अब नीचे 18 × 18 × 9 2916 2916। तीनों के तीनों रेड आने की प्रॉबलिटी। अब बच्चों तीनों के तीनों कैच व्हाइट चाहिए, तीनों तीनों व्हाइट चाहिए। आराम से फिर से अगेन जाओ बॉक्स वाइज, अब तीनों के तीनों व्हाइट, अगेन प्रॉबलिटी स्पेसिफिक अपॉन नॉर्मल। फर्स्ट बॉक्स के पास, फर्स्ट बॉक्स के पास नॉर्मल कितना ऑप्शन है 18। कुछ लोग बोले 18C1 लिखो ना, अरे बेटा वैसे भी 18C1 18 चाहता बच्चा लोग, तो मैं डायरेक्ट 18 लिखू चलेगा बेटा जी, चलेगा ना यार। 18C1 18 आता है, 5C1 5 होता है, 4C1 4 होता है बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना बेटा। फर्स्ट बॉक्स के पास नॉर्मली 18 ऑप्शन है, स्पेसिफिकली कैच है व्हाइट, व्हाइट कितने बेटा 7। फर्स्ट बॉक्स के पास नॉर्मल 18 ऑप्शन है बेटा, स्पेसिफिक कैच है व्हाइट, तो बच्चों फर्स्ट का बॉल व्हाइट आने की प्रॉबिलिटी क्या है 7/18। अब सेकंड का बॉल व्हाइट, सेकंड के पास नॉर्मली 18 ऑप्शन है, स्पेसिफिकली व्हाइट कितने 8 है, तो सेकंड व्हाइट आने की प्रॉबिलिटी 8/18 है। थर्ड के पास नॉर्मली नो बॉल है, स्पेसिफिकली कैच है व्हाइट, कितना ऑप्शन है 4। अरे झेपा का नालायक, नॉर्मल बच्चों 18 ऑप्शन, स्पेसिफिक कैच है व्हाइट, फर्स्ट में व्हाइट 7 बार, सेकंड में व्हाइट 8 बार, थर्ड में व्हाइट 4 बार, बीच में एंड ना बेटा, फर्स्ट का भी बॉल निकालना है एंड सेकंड का भी बॉल निकालना है। ऊपर कितना आएगा 7 × 8 56 × 4 224 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2916। अभी कंडीशन नंबर थ्री, कंडीशन थ्री क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों कैच है बेटा जी ब्लू, नहीं ब्लू था ये ब्लैक था, ब्लू हाँ। पहले कंडीशन, तीनों के तीनों रेड या तीनों के तीनों व्हाइट या तीनों के तीनों ब्लू। अब फास्ट बताओ, नॉर्मली 18 ऑप्शन है, स्पेसिफिकली कैच है ब्लू कितनी बार 6 बार। यहां पे नॉर्मली 18 ऑप्शन है, स्पेसिफिकली कैच है ब्लू 6 बार, नॉर्मली नो ऑप्शन है, स्पेसिफिकली कैच है ब्लू कितनी बार है 2 बार। अब करो बच्चा लोग मल्टीप्लाई, 6 × 6 36 × 2 72। अब बीच में क्या होगा, एंड होगा और समय तीन के सर ना, तीनों व्हाइट या तीनों रेड या तीनों ब्लू, बीच में क्या और ना बेटा, एक तो तीनों रेड होंगे या फिर व्हाइट होंगे या फिर ब्लू, बच्चों और के लिए क्या होगा एडिशन। अरे झेपरा क्या, या पे एक ही केस में क्या आ रहा मल्टीप्लाई आ रहा है, बट तीन केस के बीच में क्या आ रहा है और, मतलब एडिशन होगा बच्चों, आइदर दिस और दैट। बच्चों एडिशन में नीचे नंबर क्या होगा सेम, एड न्यूमरेटर, एडिशन में नीचे नंबर क्या होगा सेम, एड न्यूमरेटर करो बच्चों, एड करो क्या आएगा 60 + 224 + 72 कितना आएगा 356 करो बच्चा लोग, 356 डिवाइडेड बाय 2916 सिंप्लीफाई करते बच्चा लोग, डिवाइड बोथ बाय 4, यहां पे कितने 18 आ रहा है बच्चा लोग, और यहां पे डिवाइड बाय 4, डिवाइड बोथ बाय 4 729। आंसर क्या रहा है 89/729 ऑप्शन ए। मस्त क्वेश्चन था, मजा है क्या, तीन बॉक्स दिए थे, फर्स्ट बॉक्स में 18 बॉल है, सेकंड में 18, थर्ड में 9, प्रॉपर लिख के लिया। क्या बोला है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, हर एक में से एक बॉल निकाला, फर्स्ट में से भी एक, सेकंड में भी से भी एक, थर्ड में से भी एक। फिर क्या बोला, व्हाट इज अ प्रायोरिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम, तीनों के तीनों कैच है सेम कलर, तो हमें तीन केस मिले, ये तो तीनों के तीनों क्या होंगे रेड, या तीनों के तीनों क्या होंगे व्हाइट, या तीनों के तीनों क्या होंगे ब्लू, हमने सॉल्व करना चाहा। पहली कंडीशन, तीनों के तीनों रेड, फर्स्ट केस, फर्स्ट बॉक्स के पास नॉर्मली 18 ऑप्शन है, स्पेसिफिकली क्या चाहिए रेड, रेड कितनी बार है 5 बार, आंसर 5/18। सेकंड बॉक्स के पास नॉर्मली बच्चों 18 ऑप्शन है, स्पेसिफिकली क्या चाहिए रेड कितनी बार 4 बार, आंसर 4/18। थर्ड बॉक्स के पास नॉर्मल बच्चों नो बॉल है, स्पेसिफिकली क्या चाहिए रेड कितनी बार आएगा बेटा 3 बार, आंसर 3/9। और बीच में बच्चों क्या क्या मल्टीप्लाई, फर्स्ट में से भी निकालना है एंड सेकंड में से भी निकालना है एंड थर्ड में से भी निकालना है।
सबको झेपा के बेटा। अरे नालायक यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिप्लॉयमेंट में कहां से आएगा, ये सब केस अलग अलग केस है ना बेटा, अलग अलग केस है, कुछ भी क्या बोल रहे हो, रिप्लेसमेंट डिप्लॉयमेंट कहां से आएगा बेटा जी, मत सोचो बेटा ये इसको झेपा बच्चों। फिर बीच में और किया, एक तो तीनों तीनों रेड होंगे या तीनों व्हाइट या तीनों बच्चों के आगे बच्चे होंगे ब्लू, और क्रेडिशन किया, मस्त क्वेश्चन था ना बेटा, मजा आया क्या बेटा, हर क्वेश्चन अलग अलग है। चलो बच्चों एक काम करो फटाफट इसको लिख लो, फटाफट डायग्राम के साथ लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लो, चलो फास्ट फास्ट। चलो बच्चों क्वेश्चन सिक्स हो गया बच्चा लोग, हर बच्चों सम बड़ा अलग है, हर बड़ा सम अलग है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन सेवन बाद में, ये तो इजी है, चलो छोड़ दो ये तो नॉर्मल समय। क्वेश्चन बच्चों एट को देखिए, क्वेश्चन एट अपना हो चुका था, क्वेश्चन एट का हो चुका था। अब क्वेश्चन नाइन को बच्चों देखिए, क्वेश्चन नाइन को देखिए, मस्त क्वेश्चन नाइन को भी। अब चुन ना लाइक, अब सब बच्चे क्वेश्चन नाइन को देखेंगे अच्छे से, नाइन भारी समय तब चिल मार के। नाइन को प्लीज ध्यान से पढ़ना, नाइन को प्लीज ध्यान से पढ़ना। देर आर टू बॉक्सेस कंटेनिंग फाइव व्हाइट एंड सिक्स बॉल, सिक्स ब्लू बॉल, दो बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स में व्हाइट कितने बच्चों, पांच है, और ब्लू छह, मतलब ग्यारह बॉल है फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड बच्चों बॉक्स में देखें, व्हाइट कितने बच्चों, तीन है, और ब्लू कितने बेटा, सात है। व्हाइट कितने बच्चों, तीन है, ब्लू कितने बेटा, सात है, सब मिला के दस बॉल है, तीनों साथ दस बॉल है। फर्स्ट बच्चों बॉक्स में ग्यारह बॉल है, सेकंड में कितने बच्चों, दस बॉल, एकदम चिल मार के। इफ वन ऑफ द बॉक्सेस
इज सिलेक्टेड एट रैंडम. क्या बोला है? वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड एट रैंडम. क्वेश्चन है सुनना, अब तक के सब में बॉल्स को सिलेक्ट करते थे, अब यहां पे बॉक्स को सिलेक्ट है. इफ वन ऑफ द बॉक्सेस इज सिलेक्टेड रैंडम एंड बॉल इज ऑन फ्रॉम इट. पहले एक बॉक्स को सिलेक्ट किया और उसमें से एक बॉल निकाला और क्या बोला है, व्हाट इज अ प्रायोरिटी दैट दैट बॉल इज ब्लू. समझा क्या क्या बोलना चाहते हैं? दो बॉक्स थे, फर्स्ट बॉक्स में 5 व्हाइट थे, 6 ब्लू थे. सेकंड बच्चों बॉक्स में बच्चों क्या थे? सेकंड बच्चों बॉक्स में देखे बच्चों 3 व्हाइट और 7 ब्लू है. अब समय समझो क्या बोला है, वन ऑफ द बॉक्सेस सिलेक्टेड, पहले बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड बॉल इज ड्रॉन. पहले बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड उसमें से बॉल निकाला और जो बॉल है वो ब्लू आने की प्रायोरिटी पूछे. ओके चलो कौन बताएगा इस समय कितने केस बनेंगे? अब तक के समय क्या था? इसमें से एक बॉल निकाला, इसमें से एक बॉल निकाला. अब ऐसा नहीं है, अब एक ही बॉल निकाला है पर भी एक ही बॉक्स में से. पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने का है, फिर उसमें से एक बॉल निकालने का है और वो बॉल ब्लू आने की फर्क लेने का है. पिछले समय हर एक बॉक्स में से एक एक बॉल निकाला था, ऐसा नहीं है. पहले एक बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है और उसमें से एक ब्लू बॉल निकालना है, दैट्स इट. दो केस आएंगे, बोलो कौन से दो केस आएंगे? चलो आप बताओ दो केस कौन से आएंगे, बताओ बताओ दो केस कौन से आएंगे. बेटा आप बोलो कि सर एक बैग निकालना और दूसरा बेटा बॉल निकालना, एक बॉक्स दूसरा बैग, वो इवेंट है बेटा. बॉक्स निकालना, सिलेक्टिंग अ बॉक्स एंड सिलेक्टिंग अ बॉल, वो इवेंट. मैं इवेंट की बात नहीं कर रहा, मैं केसेस की बात कर रहा, केसेस की बात कर रहा बच्चों. दो केस क्या आएंगे बेटा, दो केस क्या आएंगे? इवेंट दो है, सिलेक्शन ऑफ अ बॉक्स एंड सिलेक्शन ऑफ अ बॉल. बॉक्स को सिलेक्ट करना, बॉल को सिलेक्ट करना, ये दो इवेंट है. बट केसेस दो कौन से? चार तीन कुछ भी बोल, नालायक बोल रहे केस में. केसेस दो ही बताओ, दो केस कौन से बेटा? केस वन. केस वन क्या बोलता है? आपको पहले पे बॉक्स सिलेक्ट करना है और उसमें से ब्लू बॉल निकालना है. तो केस वन क्या बोलता है? सिलेक्ट बॉक्स वन, सिलेक्ट बॉक्स वन एंड ड्रॉ ब्लू बॉल. और केस टू क्या बोलता है? सिलेक्ट बॉक्स टू एंड ड्रॉ ब्लू बॉल. समझा क्या बेटा बच्चों? इस समय बच्चों देखो बच्चों, अब सुनना, सब बड़े कमेंट बन, सब बड़े कमेंट बन करो बेटा. अब बच्चों मैक्सिमम लोग बेटा गलत ट्रैक पे चल रहे, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया बेटा. देखो इस समय दो केस क्या बन रहे. फर्स्ट केस में क्या करने का? फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करो और उसमें से ब्लू निकालो. सेकंड केस में सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करो एंड ब्लू बॉल. आपको ब्लू बॉल निकालने का किसमें से? बॉक्स में से. तो समय दो केस क्या बनेंगे? फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके ब्लू बॉल निकाला, ये फर्स्ट केस है. और सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट करके ब्लू बॉल निकाला, ये सेकंड केस है. छिल मार के, अरे झेपा का नालायक. दो केस समझा बच्चों? फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें से ब्लू बॉल निकाला, यह फर्स्ट केस है. सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट करके ब्लू बॉल निकाला, यह सेकंड केस है. अब सोल्यूशन देखो बच्चों, आराम समझेगा, कमेंट बंद करो. फर्स्ट केस, अभी केस वन चिल मार के. केस वन क्या बोलता है? फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करो एंड उसमें से ब्लू निकालो. इस केस में दो इवेंट है, केस दो है, हर केस में दो इवेंट है. केस वन दो इवेंट कौन? केस वन क्या बोलता है? पहले फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो और उसमें से ब्लू बॉल निकालो. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट बॉक्स निकालने की प्रायोरिटी निकालेंगे, फिर उसमें से ब्लू बॉल निकाल पड़ने. मैंने पहले बताया जब भी समय दो दो इवेंट आएंगे हर इवेंट की निकालेंगे प्रायोरिटी. दो इवेंट कौन से? सिलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट बॉक्स इज वन इवेंट एंड ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज अदर इवेंट. हम दोनों की निकालेंगे प्रायोरिटी. पहले सिलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट बॉक्स, सिलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट बॉक्स.
फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रायोरिटी कौन बताएगा? नॉर्मली कितने बॉक्स थे? दो। स्पेसिफिकली क्या चाहिए? फर्स्ट बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स की प्रायोरिटी क्या है? 1/2। ये मैंने पहले क्या निकाला? सिलेक्शन ऑफ अ फर्स्ट बॉक्स। अरे नॉर्मली हमारे पास दो बॉक्स थे, नॉर्मली बच्चों हमारे पास दो बॉक्स थे, स्पेसिफिकली कौन चाहिए? बॉक्स वन। नॉर्मल बच्चों हमारे पास दो बॉक्स थे बेटा, स्पेसिफिकली कौन चाहिए? बॉक्स वन। बॉक्स वन कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो बॉक्स वन निकालने की प्रायोरिटी 1/2। अब बॉक्स वन निकाला, अब उसमें से क्या निकाला है? ब्लू बॉल। बॉक्स वन निकाला, अब उसमें से ब्लू बॉल। अब बताओ बॉक्स वन में नॉर्मली कितने बॉल थे? 11। स्पेसिफिकली क्या चाहिए? ब्लू। कितनी बार है? 6 बार। अरे झेपा का नालायक। बॉक्स वन सिलेक्ट करना और उसमें से ब्लू बॉल निकाला बेटा। कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा मेरे को बॉक्स वन में? बॉक्स वन में नॉर्मली कितने बॉल थे? बॉक्स वन में नॉर्मली कितने बॉल थे? दो। बॉक्स वन में नॉर्मली कितने बॉल थे? दो। सॉरी गलत जा रहा मैं, सॉरी बेटा। पहले सिलेक्शन ऑफ बॉक्स वन, दो बॉक्स थे, बॉक्स वन एक बार आया बेटा। बॉक्स वन की प्रायोरिटी क्या है? 1/2। बॉक्स वन की बच्चों प्रायोरिटी क्या है? 1/2। अब इसमें से ब्लू बॉल निकाला है। फर्स्ट बॉक्स में नॉर्मली 11 बॉल थे बेटा, उसमें से ब्लू कितनी बार है? 6 बार है। तो आंसर क्या होगा? 6/11। बीच में क्या होगा? एंड। हमें बॉक्स को भी सिलेक्ट करना है एंड उसमें से ब्लू बॉल को भी। हमें बॉक्स को भी सिलेक्ट करना है एंड उसमें से ब्लू बॉल को भी। आंसर क्या होगा? 6/22। सेकंड केस, केस टू क्या बोलता है? सिलेक्ट सेकंड बॉक्स एंड ड्रॉ ब्लू बॉल। सिलेक्ट सेकंड बॉक्स एंड ड्रॉ ब्लू बॉल। निकालते प्रायोरिटी। सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी? सिलेक्शन ऑफ अ बॉक्स टू। अब बॉक्स टू निकालने की प्रायोरिटी, नॉर्मली हमारे पास दो बॉक्स है, नॉर्मली हमारे पास दो बॉक्स है, बॉक्स टू कितनी बार आएगा? एक बार। नॉर्मली हमारे पास दो बॉक्स है, बॉक्स टू कितनी बार? एक बार। तो बॉक्स टू की प्रायोरिटी 1/2। बॉक्स टू निकाला, अब उसमें से क्या निकाला है? ब्लू बॉल। अब बताओ बॉक्स टू में टोटल बॉल कितने? 10 है। ब्लू कितने? 7 है। बॉक्स टू में टोटल बॉल 10 है, वो नीचे गया। स्पेसिफिकली क्या चाहिए? ब्लू, वो ऊपर गया। अरे झेपा क्या बेटा? आंसर क्या होगा? 7/20। चिल मार के समझा क्या? इसमें दो केस क्या थे? सिलेक्शन ऑफ अ बॉक्स एंड सिलेक्शन ऑफ अ बॉल। पहले फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके उसमें से ब्लू बॉल निकाला, ये फर्स्ट केस था। और फिर सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करके उसमें से ब्लू बॉल निकाला, सेकंड केस था बेटा। फर्स्ट केस में फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके ब्लू बॉल निकाला। फर्स्ट बॉक्स की प्रायोरिटी 1/2 और ब्लू की प्रायोरिटी 6/11। आंसर हो गया 6/22। सेकंड में सेकंड बॉक्स की प्रायोरिटी 1/2 और ब्लू की प्रायोरिटी 7/10। आंसर 7/20। बीच में क्या होगा? और अरे एक तो फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करो या फिर सेकंड। आइदर सिलेक्ट फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल, आइदर सिलेक्ट फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल। बच्चों बीच में बच्चों कौन है? और है। बच्चा लोग और के लिए क्या होगा? एडिशन। बच्चा लोग और के लिए क्या होगा? एडिशन। बच्चों और के लिए क्या होगा? एडिशन। बच्चों और के लिए बच्चों क्या होगा? एडिशन। बच्चों और के लिए बच्चों क्या होगा? एडिशन बेटा। और के लिए बच्चों क्या होगा? एडिशन। अब बेटा करो सॉल्व बेटा, और के लिए बच्चों एडिशन होगा। अब करो सॉल्व बच्चा लोग, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 इंटू 6 बेटा क्या होगा? 120। और 22 इंटू 7 कितना आ रहा है? 154। तो ऊपर कितना आ रहा है? 274 आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 इंटू 6 120, 22 में 154, सम कितना? 274। और नीचे बच्चों क्या होगा? 22 इंटू 20 क्या होगा? 440। 274 बाय 440, सिंप्लीफाई करो, डिवाइड बोथ बाय 2। 274 बाय 2 कितना आएगा? 137 डिवाइड बाय 220। बच्चों क्या आ रहा है? 137 डिवाइडेड बाय 220। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी, 9 का सी। टॉपिक क्लोज। दैट्स इट नालायक, 9 का सी हो गया। में क्या मुश्किल है भाई? सेकंड केस में सेकंड बॉक्स निकालने की प्रायोरिटी 1/2 बेटा, उसमें से ब्लू बॉल चाहिए बेटा। सेकंड में बेटा ब्लू बॉल कितने? टोटल बॉल बेटा 10 है बेटा जी, उसमें से ब्लू बॉल 7 है। तो ब्लू के बच्चों प्रायोरिटी क्या? 7/10 है। दैट्स इट। एकदम चिल मार के बेटा जी, ये सारे बेटा मैंने पहले बताया, सारे अलग क्वेश्चन बेटा। इसको आपको आज शाम को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा बच्चा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मस्त क्वेश्चन था।
चलो एक काम करते, इसके बाद और दो क्वेश्चन इसमें बच्चों में कल कराता हूं बेटा, क्योंकि अभी इसमें करूंगा तो ज्यादा दिमाग फट जाएगा बेटा आपका। चलो एक काम करो, अभी बस एक काम करना लायक, ये क्वेश्चन लिख लो बेटा, जो फिर आज का होमवर्क ले लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये लिखो, चलो फटाफट पहले ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट, ये लिखो सॉल्यूशन। लिखो फटाफट, पक्का छिपाना बेटा, सब भारी क्वेश्चन था, मजा आया ना, एकदम भारी क्वेश्चन था बेटा। दूंगा बेटा अच्छा हटा देता, होमवर्क अच्छा हटा देता, डोंट वरी, लिख लो बेटा जी, लिख लो लिख लो लिख लो। अरे बेटा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मेरा भरोसा क्वेश्चन हार्ड नहीं बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रस्ट बेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है बेटा, एग्जाम में सेम टू सेम कोई क्वेश्चन आता है बेटा, सेम टू सेम। अरे मुझे होता सिर्फ एक बॉल वाले छह क्वेश्चन है, मैं क्या होता अगर छह क्वेश्चन आप तीन से चार बार भी सॉल्व कर लिया, आपको बेटा ऑलमोस्ट याद हो जाएगा बेटा जी, एग्जाम में आने के बाद सिर्फ डायरेक्ट टिक मार कर पाओगे बेटा जी, ट्रस्ट करो, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आता, कुछ अलग केस नहीं एग्जाम नहीं आएगा बेटा इसमें। अगर मुझे होता इसको बस तीन बार प्रैक्टिस करना, आपको फर्स्ट टाइम टफ लग रहा है, प्रैक्टिस करो, मैंने बोला आज शाम को दो बार, मैंने क्या बोला आज शाम को दो बार बच्चों प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट करो आपको पूरा परफेक्ट आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं बेटा। चलो बच्चों आज का होमवर्क लीजिए, आज का होमवर्क लीजिए, पर सेट सी में से देखिए, सेट सी का क्वेश्चन है सेवन, सब इजी क्वेश्चन बेटा, ये सब इजी क्वेश्चन है, सेट सी का पहले क्वेश्चन है सेवन, होमवर्क लिख लो बच्चों, सेट सी का सेवन, सेट सी का सेवन, सेट सी का टेन, जो अभी तक बच्चों टाइप किया ना उस टाइप के समझ, चलो अभी अभी तक जो आज तक हमने जो किए, सेट सी का सेवन टेन इलेवन ट्वेल्व, सेवन टेन इलेवन ट्वेल्व, उसके बाद में क्वेश्चन फोर्टीन, उसके बाद में क्वेश्चन 15, नंबर लिख लो बच्चा, नंबर लिख लो, उसके बाद में क्वेश्चन 18, में तो टाइपिंग मिस्टेक, 18 छोड़ो, 18 कट करो, 18 में मिस्टेक, 18 कट कर दो, फिर क्वेश्चन बच्चों 19, बस इतने कर लो बच्चा लोग, इतने कर लो, हल्ले छह सात क्वेश्चन बच्चा लोग। तो बच्चों आज का टास्क बच्चों, आज का बच्चों टास्क बच्चों देखो, आज का बच्चों टास्क क्या देखे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चों क्वेश्चन देखे बच्चों, जो बेटा क्वेश्चन बेटा मैंने आज कराए थे वो सब दो बार सॉल्व करने बच्चा लोग, बॉल्स वाले क्वेश्चन, और फिर होमवर्क करना बच्चा लोग, इतना परफेक्ट को नालायक, आप ट्रस्ट करो बेटा जो आज मैंने पढ़ा है और आज का जो होमवर्क है इसमें से एग्जाम में दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे बेटा, दो क्वेश्चन पक्का आएंगे बेटा जी, तो आज का बार अच्छे से करो बेटा जी, ठीक है। चलो बाकी के बच्चा लोग हम लोग कल मिलते, टाटा बाय बाय, enjoy, chill market.